वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जय हिंद दोस्तों क्या हाल चाल कैसी रही आप लोगों की रात और एक बार शुरू करने से पहले बता दो क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है कि नहीं क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को जय हिंद वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल एवरी वन जय हिंद जय हिंद जय हिंद दोस्तों आज ये सेशन में मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूंगा और आप लोग उसको रिवाइज करने की कोशिश करिएगा क्योंकि पढ़ तो ऑलरेडी सब लिया ही है ये रिविजन क्लास है और उसको रिविजन की तरह हम लोग करेंगे जल्दी जल्दी बस रिकॉल करते हुए कि क्या हमने पढ़ा था तो इस चीज़ के साथ हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं कब तक चलेगा सेशन मुझे बता दो पेपर कितने बजे से है तुम लोगों का आप लोगों का एग्ज़ाम कितने बजे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो अपने रूट पे होंगे और वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर की तरफ जा रहे होंगे और शायद वो यहाँ पर देख रहे होंगे करेंट अफेयर्स को ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मैं पूरी रात हॉस्पिटल में था और आप लोगों के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा था और वहीं से सीधे आ गया हूँ दस बजे पेपर है नौ पचास ठीक है तो आई थिंक uh, काफी कुछ कवर कर ले जाएंगे हम ठीक है जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को चलिए देखो ये एक पॉइंट है जिसको आपको यहां नोट करना है स्पोर्ट्स की फील्ड से ही सवाल बन सकता है किसको यहां पर फॉन्स वो कौन सी पहली इंडियन वुमेन है जिनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है ठीक है तो ये इसको नोट कर लीजिए हरमनप्रीत कौर है हरमनप्रीत कौर आपको पता है क्या ताबड़तोड़ बैट्समैन है इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम की वुमेन क्रिकेट टीम की ये पहली इंडियन वुमेन है जिनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड से इनको नवाजा गया है तो शी इज दी वुमेन ध्यान रखना शी इज दी वुमेन नेम्ड अमंग दी विजडन फाइव क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर इस साल पांच क्रिकेटर्स को ये विजर्न क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है उनमें से शी इज दी वन जो वुमेन है ठीक है यानी कि जो पांच बाकी लोग चार बाकी लोग हैं वो मेल है एंड शी इज द ओनली फीमेल ये ध्यान रखिएगा इस तरह का स्टेटमेंट आपको दे सकता है लास्ट टाइम एक क्वेश्चन इस प्रकार का दिया जा चुका था ओनली स्टेटमेंट लगा के क्लियर है तो इसको यहाँ नोट कर लीजिएगा आगे आ जाइए नेक्स्ट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले अप्रैल के महीने से चलिए आइए नाटो का यहाँ पर रिसेंटली 31st मेंबर कौन सा बना है करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड करेक्ट आंसर है फिनलैंड नाटो का रिसेंट मेंबर कौन सा बना है फिनलैंड बना है आगे आ जाइए जॉर्जिया वो पहला देश हो चुका है वो पहला कंट्री है जिसने मतलब अमेरिका का ये स्टेट है जॉर्जिया बिकम्स फर्स्ट अमेरिकन स्टेट जिसने हिंदू फोबिया को कंडेम करते हुए रेजोल्यूशन पास किया है ठीक है ना हिंदू फोबिया को कंडेम करते हुए रेजोल्यूशन पास किया है ये पहला अमेरिकन स्टेट है जिसने इस प्रकार का यहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया है रेजोल्यूशन ये कहता है कि जो हिंदुज़म है उसमें बहुत डाइवर्स ट्रेडिशंस हैं बिलीफ सिस्टम्स हैं है, है ना बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं एक्सेप्टेंस है, है म्यूचुअल रिस्पेक्ट है तो आप जो हिंदू फोबिया कह रहे हैं वो गलत है उसको कंडेम करते हुए यह रेजोल्यूशन पास करने वाला अमेरिका का पहला स्टेट जॉर्जिया हो चुका है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसराइल लॉन्चेस न्यू सैटेलाइट अब यहां पर एक सैटेलाइट का नाम आएगा उसका नाम है नोट किया जाए वो बिलोंग करता है इसराइल को इसराइल का ये नया स्पाई सैटेलाइट है जिसका नाम है ओफिक थर्टीन जिसका नाम है ओफिक थर्टीन वेरी इंपॉर्टेंट है इसको भी आप यहाँ नोट कर लीजिए नेक्स्ट आइए देखिए अभी जब मैच हुआ न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में इस न्यूजीलैंड और श्रीलंका के क्रिकेट मैच में वुमेन अंपायर यहां पर उन्होंने टी ट्वेंटी कीटन रूई होती है ना रूई किम कॉटन और किम से तुम तो लोग समझ रहे हो गए है ना तो ये न्यूजीलैंड की जो किम है किम कॉटन ये पहली ये फर्स्ट फीमेल अंपायर हैं जिन्होंने एक मेन्स टी ट्वेंटी मैच की अंपायरिंग करी है और ये वो भी मतलब ऐसे तो देखिए फुल टाइम ये नेशंस हैं फुल टाइम नेशंस हैं क्लियर है मतलब फुल टाइम कंट्रीज हैं जो खेलती हैं क्रिकेट ऐसा नहीं कि नेपाल और भूटान का हो गया इन सब छोटे मोटे उन सब का नहीं है तो किम कॉटन जो है वो पहली फीमेल अंपायर हो गई हैं जिन्होंने मेन्स टी की इंटरनेशनल क्रिकेट की अंपायरिंग करी है चाइना का यहां पर एक स्पेस रॉकेट है जिसका नाम है तियांगलोंग टू नोट करिएगा तियांगलोंग इसका नाम है और यह पूछ सकता है कि तियांगलोंग किसने यहां पर इसको लॉन्च किया था तो यह जो रॉकेट है वो चाइना का है और यह अभी री पहुंच गया है ऑर्बिट में विद लिक्विड प्रोपेलेंट अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस पर्टिकुलर रॉकेट में क्या अलग था अलग ये था कि जो रॉकेट है वो कोल्ड ड्राइवड केरोसिन को इस्तेमाल करता है इंस्टेड ऑफ दी फ्यूल रिफाइंड फ्रॉम ऑयल अकॉर्डिंग टू स्पेस पाइनियर तो स्पेस पाइनियर के हिसाब से ये जो रॉकेट है ये कोल ड्राइव्ड केरोसिन का इस्तेमाल करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इस पर्टिकुलर रॉकेट को अलग करता है बाकी बाकी रॉकेट से नेक्स्ट देखिएगा नाउ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर लॉन्चेस अब यहां पर एक पर्टिकुलर आपको दिख रहा होगा मूवमेंट या एक प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट नोट करिएगा तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है वाराणसी को और ब्यूटीफाई करना इसका ऑब्जेक्टिव है बनारस को और ज्यादा खूबसूरत करना ब्यूटीफाई करना लेकिन इंपॉर्टेंट यह है तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट कहां पर लॉन्च हुआ है यह लॉन्च किया गया है युगांडा में ये इसलिए यहां पर सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन में युगांडा दिएगा और आप युगांडा कभी सोच भी नहीं पाएंगे तो इंपॉर्टेंट है यहां पर ये जो तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है ये बनारस का गा, घाट है उसको रिस्टोर करने की बात यहां पर करी गई है चलिए आगे आ जाइए घाना पहला कंट्री हो गया है टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन अब देखो मलेरिया आपको पता है मच्छर काटने से होता है ये बीमारी हो जाती है सॉरी ये आपको एक तरह का प्रॉब्लम हो जाता है डिजीज हो जाता है मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया की जो वैक्सीन है जो ऑक्सफर्ड ने बनाई है उसको घाना ने अप्रूव कर दिया और ये घाना इसको अप्रूव करने वाला पहला कंट्री है इनफैक्ट आप सोचो एक ऐसा देश जहाँ अफ्रीका देश अफ्रीकन कंट्री जहाँ बहुत गरीबी है

असॉल्ट uh, शिप है और उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो ऐसी कि वो ड्रोन टाइप की एक्टिविटीज भी करवा सकती है तो टर्की ने लॉन्च किया है अपना फर्स्ट एम्फीबियस असॉल्ट शिप और उसका यहां यहाँ पर नाम क्या आ रहा है नोट करिएगा उसको हम लोग बोलते हैं टी सी जी एनाडोलू नोट किएगा टी सी जी एनाडोलू ये इसका नाम यहाँ पर है इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा क्लियर है तो ये आपकी जो टर्की ने किया है एमिंग टू एक्सपैंड इट्स ड्रोन कैपेबिलिटीज फ्रॉम लैंड बेस्ड टू नेवल ऑपरेशंस इंक्रीज रीजनल रीजनल जब ये रीजनल टेंशन बढ़ गई थी रशिया यूक्रेन के वॉर में तब ये चीज करी गई थी तो यहां पर टीसीजी जो है वो आपको याद रखना है चलिए आगे आ जाते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूयॉर्क सिटी अपॉइंट्स इट्स फर्स्ट एवर रैट राटार अब रैट राटार क्या होता है एक्चुअली आजकल की बात है मतलब कुछ टाइम पहले की बात है जब इस शहर में न्यूयॉर्क शहर में की बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुकी थी यानी कि वहां पर आप देखोगे तो जो रॉडेंट है रॉडेंट रॉडेंट आपको पता है होगा इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो चल रही थी तो इस प्रॉब्लम को यहां पर खत्म करने के लिए इसको टैकिल करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी ने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इस मिनेस को खत्म करने के लिए एक जार को अपॉइंट किया और न्यूयॉर्क सिटी ने अपना पहला अपॉइंट किया है तो आपसे पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसका सिटी का नाम जाने कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि उस व्यक्ति का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में करेगा कि उसका नाम यहाँ पर क्या है यह आप बताइए कॉमेंट बॉक्स में चलिए आगे आइए अब देखो एक ब्रिज है इसका नाम है बूजी ब्रिज ये इंडिया ने इनोक बनाया है और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर उन्होंने इसको इनोग्रेट किया है इसको बनाया गया है मोजाम्बिक के अंदर नोट किएगा मोजाम्बिक के अंदर उसको भारत ने बनाया है तो ऑफ कोर्स इस प्रकार के जो ब्रिजेस बनते हैं ये एक फ्रेंडशिप का साइन होता है तो ये बुजी ब्रिज जो है ये मोजाम्बिक बनाया गया है भारत के द्वारा इसको बनाया गया है क्लियर है आगे आ जाइए नेक्स्ट बेल्जियम फर्म टू लॉन्च बायोडीजल प्रोजेक्ट इन अयोध्या सून देखो यार सून लिखा हुआ है इसलिए मुझे लगता है नहीं कि पूछेगा लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ रफ आइडिया कभी कुछ अगर ऐसा सवाल आ गया वो ये कि बेल्जियम ने क्या डिसाइड किया है बेल्जियम ने डिसाइड किया है कि ये लोग क्या करेंगे ये लोग बायोडीजल से बायोडीजल प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे अब बायोडीजल प्रोजेक्ट का मतलब एक तरह से ये हो गया कि वेस्ट से ये लोग एक तरह से यहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन करना चाहते हैं सो बेल्जियम की कंपनी है यहाँ पर इसका नाम है वीटो इस सून

आईआईटी मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल दिया है और वो कहाँ खुला है आईआईटी मद्रास का वो खुला है टंजानिया में नोट किया जाए टंजानिया में तो आईआईटी जो मद्रास है आईआईटी मद्रास का एक सेंटर खुल गया है या कैंपस खुल गया है टंजानिया में कहा टंजानिया में तो इंटरनेशनल कैंपस पहला है नेक्स्ट यूएस स्टेट ने

ठीक है ना जेफरी हिंटन को एक्चुअली इनका एक स्टेटमेंट आया था और इन्होंने कहा था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बड़ा ही खतरा हो रहा है बड़ा ही खतरा बन रहा है और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेंजर से लोगों को अलर्ट किया था और इसी में यहाँ पर इनकी चर्चा हो गई द हिंदू ने इसको कवर कर दिया और जिस प्रकार से यहाँ पर ये ये जो हेडिंग बनी है वो मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा कैची हो रहा है गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहा गया जॉफरी हिंटन को बोला जाता है आगे आ जाइए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रशिया का यहाँ पर एक चार्टॉर्ट उन्होंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर बनाया है जैसे मैंने आपको बताया कई सारे बन रहे हैं बार्ड बना हुआ है किसने बनाया है बार्ट को बताइएगा जैसे आपने देखा कि ओपन एआई ने बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बैक डी कंपनी है इसको माइक्रोसॉफ्ट बैक करती है ध्यान रखिएगा इस कंपनी को ओपन ए को माइक्रोसॉफ्ट बैक करती है और ये ओपन ए ने क्या बनाया था चैट जीपीटी को बनाया सब लोग जी बारे में आज जानते हैं और मैंने कहा था कि चैट जीपी का जो फुल फॉर्म है वो वो पूछा जा सकता है है ना तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए जनरेटिव प्रीट्रेन ट्रांसफॉर्मर ठीक है ना ये बहुत अच्छे से आपको ट्रांसफॉर्मेशन लिख देगा है ना चैट प्री जेनरेटिव की जगह जनरेशन लिख देगा तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज विद दैट इज जनरेटिव गलत नहीं होना चाहिए आई डोंट नो वाई ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है आज के पेपर में ठीक है अब इसी को टैकल करने के लिए इसका जवाब देने के लिए रशिया ने भी अपना यहाँ पर एक चैटबॉट बनाया है उसका जो एसबर बैंक है उसने लॉन्च किया है एआई और उसका नाम है गीगा चैट नोट करिएगा क्या नाम है गीगा चैट उसका नाम है सही है ठीक है जनरेटिव प्रेस्ट्रेन नहीं है अंशुल गुर्जर नाम देख लो इट इज जनरेटिव प्रीट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर क्लियर है तो ये इंपॉर्टेंट है जनरेटिव प्रीट्रेन्ड प्रीटेंड नहीं है विशाल सिंह प्रीटेंड नहीं है ये है प्रीट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर रशिया का भी एआई चैटबॉट उसका नाम है गीगा चैट आगे आ, आ जाइए श्रीलंका कोर्ट ने क्या किया है उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिलाइज कर दिया है और जब उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमलाइज किया तो उन्होंने इंडिया का जो केस है इंडिया में जो यहाँ पर हमारे कोर्ट्स ने स्टैंड लिया था उसी को देखते हुए उसी लैंडमार्क को देखते हुए जो हमारे यहाँ इंडिया में सेक्शन 377 सेवनटी सेवन ऑफ द इंडियन पिनल कोड के अंदर आता है उस चीज को करते हुए उन्होंने अपने यहां भी डीक्रिमिलाइज कर दिया किसको होमोसेक्सुअलिटी को ठीक है तो ये कि बड़ा पॉइंट है कि होमोसेक्सुअलिटी अब यानी कि एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं रह गया है बट येस yes,

है फॉर वाटर सिक्योरिटी और वाटर की जो सिक्योरिटी यानी वाटर सबको अवेलेबल रहे इसके लिए इसको यहाँ पर चेक करने के लिए एक सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन किया गया ठीक है और उसको बोलते हैं सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी ये देखिए यहाँ पर लिखा है ये लिखा हुआ है सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी तो आई मद्रास ने एक सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी को यहाँ पर सेटअप करने करा है और इसके लिए टाइप किया है इसराइली गवर्नमेंट के साथ आगे आ जाइए नाइजीरिया के अंदर बहुत कुछ उठा हो रही है और इसी उठा के बीच में नाइजीरिया के यहाँ पर नए प्रेसिडेंट बने जिनका नाम है बोला तिनुबू ऐसे बोलते हो ना अरे भैया बोला जल्दी बोला कल पनवेल निकलना है सर जल्दी पढ़ावा एग्जाम सेंटर निकलना है तो बस वही वाली बात है देखो जो कह रहे हैं सर कल वाली क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा टेलीग्राम पे मिलेगा बेटा कल रात बहुत हो गई थी जिसकी वजह से लोग नहीं थे तो अभी आप जब मैथ्स का पेपर देकर निकलोगे या फिर 10 बजे तक आप देखोगे तो अपलोड हो जाएगा आप एग्जाम में होगे इसलिए जब निकलोगे तो पीडीएफ मिलेगा और जितने भी क्लासेस थे मैं कोशिश करूंगा सबका पीडीएफ अलग अलग डलवा दू ठीक है क्योंकि बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी मेरे ही कुछ तीन सौ स्लाइड्स थी तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा तो नाइजीरिया के यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात है नाइजीरिया बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है काफी ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है और इस इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में नाइजीरिया में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस दो में होने वाली है और उसका होस्टिंग करेगा यू देखो यार दोस्तों मुश्किल ये सवाल पूछे क्योंकि दो में होना है पता ही नहीं है कि दो तक क्या होगा होगा मान लो कोई रीजन के कैसे कैंसिल

नोवा खकोफका डैम ये डैम जो है इसको तोड़ दिया गया था ठीक है इसलिए यहाँ पर यह डैम इम्पोर्टेंट हो जाता है ये डैम इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोग बताइएगा मुझे ये डैम किस नदी पे बना हुआ है ये डैम किस नदी पे बना हुआ है यस प्लीज एनी वन इन दी कॉमेंट बॉक्स जो ये बता पाए कि नोवा खकोफका डैम जो है वो किस रिवर में बना है जिसको यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे इसको तोड़ दिया गया था देखो अनिर्बान चैटर्जी का यहाँ पर आंसर आया है दिनीपोर रिवर दिनीपोर रिवर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया खौफ डैम हाँ खौफ का को ऐसे याद कर सकते हो कि खौफ डैम है तो वो आप ऐसे इसको आ, कर सकते हो बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है यहाँ पर आया डेनेफर डेनेफर, डेनेपर सब लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं अच्छा जवाब दे रहे हैं नोट कर लीजिए सब लोग इसको डेनेपर ये रिवर का नाम हो गया है Clear है 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 चलिए आगे आ जाइए तो आपको पता है कि सत्याग्रह की शुरुआत कैसे होती है? गांधी जी जा रहे होते होते हैं हैं और वो हैं. वो अफ्रीका अफ्रीका में के जगह रेलवे स्टेशन पे जब वो जाते हैं जिसका नाम है पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन इस रेलवे स्टेशन से ही बस ट्रैवलिंग ट्रेन में घुसे और उनके पास टिकट भी था मतलब वो फर्स्ट कम्पार्टमेंट फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में घुस गए उनके पास उन्होंने टिकट भी लिया था उसके बाद भी ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन है ना मतलब उनको बहुत बेजत करके निकाला निकाला गया और इसी वजह से यहाँ से स्टार्ट होती है तो बेसिकली इंडियन नेवी ने क्या किया है इंडियन नेवी इसको कमेमोरेट कर रहा है क्योंकि इसके वन इयर्स हो चुके हैं सो एज यू कैन रीड हियर इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है टू मार्क दी वन थर्टी ऑफ द स्टार्ट ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड अपार्थीड के खिलाफ जो लड़ाई जब हुई थी, यहीं से हुई थी हमारे इंडियन नेवी की गई गई छह से नौ जून के बीच वहां रही और इसको किया गया ये इंसिडेंट जो है दोस्तों सात जून 1893 को ये इंसिडेंट होता है अब इंसिडेंट क्या था वो इंसिडेंट आपको पता है और वो यहां पर लिखा है ठीक है लिखा है महात्मा गांधी पहुंचे साउथ अफ्रीका 1893 में वो लीगल काउंसिल के रूप में पहुंचे थे एक मर्चेंट के लिए दादा अब्दुल्ला ठीक है वो इनके लीगल काउंसिल थे आ, द, गांधी जी इनके लीगल काउंसिल थे सात जून 1893 नाइनटी को जब वो अपना ट्रिप कर रहे थे प्रिटोरिया का इन ट्रांसफाल तो वो पहले पहुंचते हैं इस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पे पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन गांधी जी ने फर्स्ट क्लास का कम्पार्टमेंट का टिकट ले रखा था उसके बाद भी उनको इविक्ट कर दिया गया था उस कंपार्टमेंट में और यहीं से शुरू होती है गांधी जी की लड़ाई अगेंस्ट अपारथीड आगे आ जाइए अब देखो यहां पर हवाई में एक वॉल्केनो है जिसका नाम है नोट करिएगा किलेवा इरब किलुआ किलुआ ये पूछ सकता है कि ये वर्ल्केनो रिसेंटली इरप्ट हुआ है ये किस कंट्री में लाई करता है दोस्तों ये लाई करता है हवाई में ठीक है ना ये कहाँ लाई कर रहा है हवाई में ये लाई कर रहा है तो उसका नाम देखिएगा किलुआ इसका नाम हो जाता है आगे आ जाइए टू तो गेट मोर फंड फ्रॉम आई एम एफ बांग्लादेश फ्लोट्स करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम अब देखो ये पहली बार हुआ है हर देखो दो प्रकार के एक, दो प्रकार से करेंसी का कन्वर्जन होता है एक होता है आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बच्चों ठीक है और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये दो होते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में यहाँ पर एकदम फिक्स कर दिया जाता है कि एक डॉलर की कीमत जो है फॉर एग्जांपल मान लीजिए पचहत्तर रुपए होगी ठीक है ना ये फिक्स हो गया लेकिन फ्लोटिंग में क्या होता है फ्लोटिंग में इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी कि कितना डॉलर की डिमांड है कितनी नहीं है तो बांग्लादेश ने पहली बार ऐसा किया है तो सवाल यह हो सकता है कि अन्य से कौन सा वो कंट्री है जिसने रिसेंटली अपनी करेंसी को करेंसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में यहां पर कन्वर्ट किया है फ्लोट किया है तो वो हो जाएगा बांग्लादेश क्लियर हो गया आगे आ जाइए मूविंग ऑन एस्टोनिया यहां पर पहला सेंट्रल यूरोपियन कंट्री हो गया है जिसने लीगलाइज कर दी है सेम सेक्स मैरिज जिसकी बातें आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रही थी अभी एक महीने दो महीने पहले इस पर्टिकुलर सेम सेक्स मैरिज को यहाँ लीगलाइज कर दिया है एस्टोनिया में और ऐसा करने वाला ये सेंट्रल यूरोपियन यूरोप का पहला कंट्री बन चुका है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर ये चीजें हो जाती हैं। क्लियर है क्लियर है चलिए आगे आ जाते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अब एक और यहाँ पर इतिहास बना है एक और हिस्ट्री क्रिएट हुई है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है ओमन क्रिएट हिस्ट्री एज फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट कंट्री थ्रू योगा अपने कंट्री को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर योगा के थ्रू प्रमोट किया गया ओमान को तो बेसिकली ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जो आ, इंडियन एम्बेसी ने लिया और उन्होंने यहाँ पर यह इनोवेटिव तरीका यहाँ पर निकाला ठीक है जिसको बोला गया सोलफुल योगा ओमन पर्टिकुलर चीज करी गई थी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 को सो so, ओमान ने यहाँ पर इतिहास क्रिएट किया है उन्होंने अपने कंट्री को प्रमोट करने के लिए क्या किया योगा का यहाँ पर इस्तेमाल किया तो योगा के थ्रू यहाँ जैसे ये देखा आपने होगा कतर में कतर को या फिर हम जब पता नहीं क्या फुटबॉल मैचेस देख रहे थे कतर का प्रमोशन बहुत होता था है ना सऊदी अरेबिया का प्रमोशन बहुत हुआ आईपीएल के दौरान राइट जब हुआ तो बेसिकली यहां पर भी इस तरह एक चीज हुई कि पहली बार फर्स्ट ऐसा हुआ कि ये पहला कंट्री है गवर्नमेंट है जिसने योगा को प्रमोट अपनी कंट्री को प्रमोट करने के लिए योगा का यहां पर यूज क्लियर है क्लियर है आगे आ जाइए व्हाट इज कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन लाइकली कॉज ऑफ टाइटेनिक एक इंसिडेंट हुआ था इसमें सवाल बन सकता है जो आपको याद रखना है वो ये कि भाई इसका नाम क्या है टाइटन सब पॉइंट ये हो गया दूसरा किसने बनाया था उसको ओशियन गेट ने बनाया था इसको एक तो ये याद कर लीजिएगा ठीक है ये बस दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है क्यों क्या हुआ था एम्प्लोजन में एक्सट्रीम वाटर प्रेशर एट द डेप्थ हो गया था टाइटेनिक के एंड प्रीवियस डाइज टू द टू द रेक तो बेसिकली यहाँ पर यही चीज़ थी कि आपको जो समझना है इम्प्लोजन हुआ मतलब एक तरह से चीज़ें जो है वो अंदर की तरफ चली गई जैसे बॉटल है ना आप बॉटल को पिचका दो एकदम अंदर बाहर से पहले पिचका दो तो वो इम्प्लोड हो जाती है ठीक है दैट वॉज कॉल्ड इम्प्लोजन एक्सप्लोजन बाहर को होगा इम्प्लोजन अंदर को हो जाता है आगे आइए कैनेडा लॉन्च किया ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कौन सा कंट्री है जिसने डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी को यहाँ पर लॉन्च किया है अब इसको किया है कैनेडा ने क्या इसका आइडिया है व्हाट इज द बेसिक आइडिया आइडिया ये है कि जो फॉरेनर्स है उनको वर्क करने के लिए अलाउ किया जाएगा फॉर अप टू सिक्स मंथ्स अगर मतलब ये पॉसिबिलिटी के साथ कि वो अपने स्टे को और बढ़ा सकते हैं अगर उनको जॉब मिल जाती है अगर वो जॉब उनको ऑफर हो जाती है तो कनाडा में वो और फर्दर रह सकते हैं तो इसलिए उनको नोमैडिक डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी कहा गया है तो बेसिकली कनाडा ने इसको अनाउंस किया है क्या कनाडा हैज हैजनाउंस द डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी क्या इसके तहत होगा दैट विल अलाउ फॉरनर्स टू वर्क इन कंट्री

देखो कौन सा कंट्री है बस ये पूछ सकता है वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली यहाँ पर अभी प्लास्टिक बैग को बैन तो किया है थिन प्लास्टिक मतलब थिन बैग्स को भी बैन करवा दिया है वो है आपका न्यूजीलैंड तो थिन रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है थिन बैग्स पे भी थिन बैग्स को अभी यहाँ पर एक्सपैंड करने से रोक दिया गया है टेक्स लीड इन प्लास्टिक बैग बैन और उसने थिन बैग्स को भी यहाँ पर बैन कर दिया है

ये जो मेंबर हैं कौन कौन से ताजिकिस्तान रशिया उज्बेकिस्तान चाइना कजाकिस्तान किर्गिस्तान इंडिया पाकिस्तान और ईरान और अभी यहां पर ईरान जो है वो एस का यहां पर नया परमानेंट मेंबर बन चुका है तो ये इंपॉर्टेंट है इसको यहां पर नोट कर लिया जाए इसी बात पे देखिए प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त ईरान के वो भी नोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी इब्राहिम रईसी जो है वो प्रेसिडेंट है अब आपको जो शंघाई है इसको दो में फॉर्म किया गया था नोट करिएगा दो में इसको फॉर्म किया गया था और इंडिया और पाकिस्तान बहुत ही रिसेंटली इन द ईयर 2017 इसके परमानेंट मेंबर्स बनते हैं बना था ये एससीओ 2001 में क्लियर हो गया आगे आ जाइए यूनाइटेड नेशंस आगे आ जाइए देखिएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होल्ड्स फर्स्ट मीटिंग ऑन एआई थ्रेट्स पहली बार ऐसा हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेंजर्स को लेते हुए एक थ्रेट्स को देखते हुए उसकी एक ऑफिशियल मीटिंग करवाई है और उसको उसको रेगुलेट करने की यहाँ बात क्योंकि अगर उनका कहना यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट नहीं किया गया तो इट कैन बी अ वेरी बिग मिनेस फॉर दी वर्ल्ड इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक फर्स्ट मीटिंग करी है ए थ्रेट्स को लेकर बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है ऑब्जेक्टिविटीज में कुछ नहीं है चलिए अब आता है यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 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 कि नाम है जो आपको याद रखना कॉल्ड ओपन काइलिन क्या है ये ओपन ये आपसे is चाइना का एक फर्स्ट पहला क्योंकि पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है सोर्स ओपन सोर्स डेस्कटॉप डेस्कटॉप सॉरी डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है तो चाइना ने रिलीज किया है अपना फर्स्ट ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है और ये इनका इंडिजीनसली बनाया गया है ये इनका इंडिजीनसली बनाया गया है आगे आ जाइए पेरू डिक्लेयर्स हेल्थ इमरजेंसी आफ्टर सर्ज इन गूलियन बार सिंड्रोम केस अब देखो कन खवालिया होगा कि रिसेंटली वो कौन सा कंट्री था जिसने क्या किया जिसने क्या किया कि इस पर्टिकुलर डिजीज के फैलने से, that is Syndrome, ये क्या है? है, है। एक तरह का neurological disorder है, आपके को ये करता है। तो ध्यान रखिएगा, एक neurological disorder है, और इसमें पेरू को बहुत ज्यादा हुआ है, तो पेरू ने यहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करी हुई तो सवाल यही आएगा कि वो कौन सा देश है जिसने गुलियन बेयर सिंड्रोम की वजह से अपने कंट्री में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करी है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आपका पेरू हो जाएगा आगे आ जाइए स्कूल मार्केट क्लोज एज हॉन्गकॉन्ग तो पूछ सकता है भाई टाइफून तालिम जो है किस कंट्री में आया और जिसकी वजह से वहां पर पूरी चीजें जो है हो गई दैट इज ठीक है ना जाते नोट कर लिया जाए आगे आ जाइए गवर्नमेंट स्कीम्स ले चलते हैं हम लोग अप्रैल 2023 की देख लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम जो रिसेंट वाली है देखो दोस्तों वैसे स्वानी पोर्टल स्वानिधि हो गया या फिर फिस्कल बीमा योजना हो गया ठीक है या फिर उड़ान स्कीम हो गया ये ये हर बार हर अब महीने में आपको देखने को मिलती हैं लेकिन मैं यहां पर उसको लेके नहीं आया हूं ठीक है जैसे आपको डिस्कस कर दूंगा जैसे उड़ान की स्कीम के बारे में सबने सुना होगा तो उड़ान का फाइव पॉइंट वन वर्जन आ गया है ठीक है ना और ये फाइव पॉइंट वन वर्जन जो है वो आप देखोगे तो हेलीकॉप्टर्स को लेकर यहां पर ज्यादा फोकस करता है कि लास्ट क्यों ताकि देखो हेलीकॉप्टर इसलिए क्योंकि हेलीकॉप्टर से लास्ट माइल कनेक्टिविटी पॉसिबल होती है है ना क्यों क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी पॉसिबल है अब अगर आप फ्लाइट की बात

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये एक स्कीम है जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है एक्चुअली ये स्कीम को 2022 तक चलना था खाली इसका कहने का ऑब्जेक्टिव ये है स्कीम का कि भाई कोविड 19 के समय जो भी यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स घाटे में चले गए हैं या फिर उनका पूरा बिजनेस खत्म हो गया है तो उनको सपोर्ट करने के लिए स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया गया था लेकिन इस स्कीम का भी अब फेजेस में आगे बढ़ती चली जा रही है स्वनिधि टू टू तो ऐसा आता जा रहा है

अब देखो दो चीजें होती हैं दोस्तों एक होता है हैल्टर स्कीम कई जगह आप ये दो वर्ड्स पढ़ते होंगे लेकिन आई एम श्योर कभी आप लोगों ने इसका मतलब बहुत अच्छे से नहीं सोचा होगा दोस्तों एक चीज होती है जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल सेक्टर स्कीम कभी आपको ये देखने को मिल सकता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और कहीं कहीं लिखा जाता है कोई कोई स्कीम कैसी है वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब जो और मिल के के इसको चलाएगी। क्लियर है बात हो गई तो यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है नेमली नाम क्या उसका स्कीम का न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम विद फाइनेंशियल आउटले ऑफ ओवर वन थाउजेंड करोड़ रुपीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन

एक्चुअली चार लाख लोगों को ऐसी बात समझिए फोर लाख ,00 लोन्स यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं इस स्वनिधि स्कीम के तहत स्वनिधि स्कीम क्या है वो आप यहाँ पर अच्छे से जानते हैं क्लियर है क्लियर है आगे आ जाइए नेक्स्ट अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों यस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रमोट्स इंडियन फोक आर्ट्स भारत की जो लोकल आर्ट है उसको एंड कल्चर Note का हो, हो, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रमोट किया है इंडिया के फोक आर्ट्स को कल्चर को अब्रॉड कैसे थ्रू दिस ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो ये एम कर रहा है कि हमारा जो लोकल फोक आर्ट है हमारा जो कल्चर है वो दूसरे कंट्री तक जाए डेसिमिनेट हो कल्चरल एक्सचेंजेस चलें और और एक दूसरे के बारे में यहां पर जाने तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये ऑपरेट करता है इस ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम को जिसके तहत जो फेस्टिवल्स हैं इंडिया के उनको हम दूसरे कंट्रीज में शोकेस करते हैं तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि इस स्कीम के तहत क्या हो रहा है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इन कंट्रीज शोकेसिंग हम अपना शोकेस करते हैं अपना फोक आर्ट्स को अपने डांस अपने म्यूजिक थिएटर फूड फेस्ट इन सबको इससे क्या होता है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट

ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी गोल समृद्धि यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी बेनिफिट्स यहाँ पर लोगों को मिल रहे हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत उस ऑब्जे बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाना उस बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाना ये यह, इसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है आगे आ जाइए यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री तोमर लॉन्चेस सीड ट्रेसेबिलिटी पोर्टल मेरे ख्याल से छोड़ दीजिए ये कुछ नहीं पूछा जाएगा नेक्स्ट हाँ इसको देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं मिस्टी स्कीम इसको बजट में यहाँ पर बनाया बताया गया था अच्छा एक बात जरूर ध्यान रखिएगा बजट वाला जो क्लास है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रहा पढ़ा चुका हूँ लास्ट टाइम में और उम्मीद है कि वो आप पढ़ा होगा क्लास कर ली होगी, ठीक है, वैसे तो उससे जो जो हैं, वो यहाँ पर आ जाती हैं, जैसे कि मिस्टी स्कीम था वहीं पर थी बजट की स्कीम थी तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने अनाउंस किया मिस्टी स्कीम जो कि हमारे यूनियन बजट में थी फॉर मैंग्रूव प्लांटेशन मिस्ट्री स्कीम बेसिकली मैंग्रूव कंजर्वेशन और प्लांटेशन के लिए स्कीम है कोई पूछेगा व्हाट इज मिस्टी स्कीम मिस्टी स्कीम मैंग्रोव के प्लांटेशन और कंजर्वेशन के लिए स्कीम यहाँ पर है ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि मिस्टी स्कीम के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए होगा आगे आ जाइए गवर्नमेंट स्कीम्स मे के मंथ की देखिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विवाद से विश्वास स्कीम नोट करिएगा विवाद से विश्वास स्कीम ये किस लिए किया है फॉर रिलीफ टू एमएसएमईज़ फॉर कोविड 19 पीरियड तो बेसिकली यहाँ पर जो एमएसएमईज़ थे जो जिनको जिनका बिजनेस एकदम ठप हो गया था ठीक है उनको यहाँ पर रिलीफ देने की बात करी है और वो इस स्कीम के तहत दिया जाएगा इस स्कीम को ऑलरेडी यूनियन बजट 2023-24 में अनाउंस कर दिया गया था तो इस स्कीम के तहत जिसका नाम है विवाद से विश्वास ये स्कीम का नाम है इसके तहत एम को रिलीफ दिया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू एम ठीक है जो कोविड नाइन्टीन के पीरियड में अफेक्टेड हुए थे तो ऑब्जेक्टिव क्या है रिलीफ देना एम को क्लियर है चलिए आगे आ जाते हैं moving on to the next. Union health Ministry launches सक्षम सिस्टम नोट करिएगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम सक्षम का फुल फॉर्म क्या है स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट ये आपका सक्षम है अ लर्निंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम हाउस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो बेसिकली ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्ट, एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं सक्षम सिस्टम और इससे क्या होगा कि हमें सस्टेनेबली हेल्थ मैनेजमेंट कैसे करनी है वो चीज यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत बताई गई है दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड बाय किसने इसको बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एन FW ने इसको बनाया है इसको प्रोड्यूस किया है क्लियर है आगे आ जाइए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चंद्रयान थ्री से नहीं बहुत बहुत ही रीसेंट है स्मृति ईरानी लॉन्चेस पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन ठीक है अब देखो ये सब चीजें बता चुका हूं आपको प्रथमेसन ने पढ़ाई होंगी ना

थीम था क्लियर इज इट क्लियर क्लियर है भाई लोग ठीक है तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के इवेंट में बहुत सारी चीजें हुई जैसे यह कहा गया कि एक डिजिटल एग्जीबिशन हुई लाइफ पे दैट इज लाइफ स्टाइल पर एनवायरमेंट आपका लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो आपका एनवायरनमेंट के तरह के हिसाब से हो कि उसको एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचे मैंने आपको बताया कि रामसर साइट जो है उसको प्रोटेक्ट करने की बात है करी गई वर्ल्ड डे और मैंग्रोव के लिए इनिशिएटिव लिया गया जिसको हम लोग इनिशिएटिव यहां पर बोल रहे हैं बार बार बता रहा आगे आ जाइए अब हम यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट्स देखेंगे जो अप्रैल मई जून और जुलाई के हैं जितने भी अपॉइंटमेंट्स इन महीने में हुए हैं वो हम यहाँ पर दोस्तों अब देखने जा रहे हैं कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं देखिए अब यहाँ से इसको नाम आप जो है वो कुछ कुछ याद कर रख सकते हैं देखिए पहला नाम है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह का ये न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी अपॉइंट किए गए हैं नोट कर लीजिएगा देन ंग फेडरेशन के अभी रिसेंट प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन बने हैं पंकज सिंह यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं देन न्यू देमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं ए के देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट क्योंकि मैंने आपको लास्ट की क्लास में बताया था अजय बांगा के बारे में इन्होंने ये जो है ये इंडियन अमेरिकन है और ये अब वर्ल्ड बैंक के फोर्टीन प्रेसिडेंट बन चुके हैं सीबीआई डायरेक्टर की बात करेंगे तो ही इज प्रवीण सूद नाव यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी है और सी सी आई दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉट इज सी सी आई एक बार नोट कर लीजिएगा वॉट इज सी सी आई कमीशन ऑफ इंडिया नोट करिएगा कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो बॉडी है इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भाई इंडिया में कंट्री के अंदर जो भी कंपटीशन है जो भी यहाँ पर ट्रेड है व्यापार हो रहा है वो बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए देन हम बात करेंगे सीबीआई डायरेक्टर चाहिए तो हो चुका है दोबारा आ गया उसको कट कर दीजिए ठीक है आगे आ जाइए नेक्स्ट देखिए सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करेंगे तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो गए देन हम बात करेंगे वर्ल्ड मेडोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त तो वो बने हैं अब्दुल्ला अल मंदोस देन हम बात करेंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के यहाँ पर नए डायरेक्टर जनरल कौन है जनार्दन प्रसाद देन हम बात करेंगे रॉ के यहाँ पर नए चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं रवि सिन्हा और हम बात करेंगे भारत के सॉलिसिटर सौलुस। जनरल ऑफ इंडिया कौन है तो वो तुषार मेहता हो गए नोट करिएगा तो वो तुषार मेहता यहाँ पर हो गए आगे आ जाइए स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स की बात हम यहाँ पर अब करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स की बात यहाँ पर करने जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू करते हैं देखिए अब यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स वेट लिफ्टिंग चैम्पियन जो थी जिनका नाम है संजीता छानू इनको यहाँ पर इनके ऊपर चार साल का यहाँ पर बैन लगा दिया गया है क्योंकि ये डोप टेस्ट में यहाँ पर फेल हो गई हैं तो आपको पता होना चाहिए ये एक वेट लिफ्टिंग

नोट करिएगा डिंग लिरेन डिंग लाइरेन नोट करिएगा डिंग लाइरेन मूविंग ऑन टू टू द नेक्स्ट ग्लोबल ग्लोबल चेस चेस लीग लीग बी हेल्ड इन दुबई एज वेन्यू अब देखो है बहुत ज्यादा अनकॉमन है मेरे ख्याल से इतना नहीं जाएगा तो you can just avoid also. But important है ना तो यू कैन जस्ट अवॉइड अवॉइडो बट इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल चेस लीग जी सी एल ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड चेस लीग है इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वर्ल्ड की पहली और फर्स्ट टाइम ये फ्रेंचाइजी बेस्ड होने रही है फ्रेंचाइजी बेस्ड जैसे आपने आई पी एल देखा जैसे आप बी पी एल देखते हैं है ना बांग्लादेश प्रीमियर लीग देखते हैं जैसे आप अब आप फुटबॉल में देख रहे हैं PSL, देखते हैं इंडियन सुपर लीग देखते हैं है 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 ना जैसे आप कबड्डी देखते हैं ये ये फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी बेस्ड बेस्ड वैसे ही यहाँ पर चेस को भी पहली बार ये हुआ है, हो रहा है। इसलिए इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंट ग्लोबल चेस लीग हो जाता है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और पहला फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है कहाँ हो रहा है दुबई में ये हो रहा है ठीक है ना चलिए आगे आ जाइए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नीरज चोपड़ा भाई साहब हमारे मान ही नहीं रहे गोल्ड ला चुके थे अब डायमंड भी ले आए हैं और डायमंड लीग 2023 हजार यहाँ पर ये जीत गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसको नोट किया जाए मई मही के महीने की ये न्यूज है इंडिया क्लाइंसेस टाइटल ऑफ कावा वुमेन्स चैलेंज कप अब देखिए ये जो है बेसिकली ये वॉलीबॉल की चैंपियनशिप है ठीक है ना ये वॉलीबॉल की चैंपियनशिप है कभी सुना नहीं होगा कि वॉलीबॉल में कभी इंडिया का नाम आए लेकिन अगर इंडिया का नाम आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाएगी क्लियर है तो इंडिया ने यहां पर इसका टाइटल जीता है कावा वुमेन्स चैलेंज कप दो हजार तेईस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ये आपका काठमांडू में हुआ था ठीक है यह आपका काठमांडू में हुआ था नोट किया जाए इंडिया की तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया यहां पर जीता है वेरी इंपॉर्टेंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है इंडिया हैज वन द टाइटल ऑफ एन एस सी कावा वुमेन्स वॉलीबॉल चैलेंज कप हेल्ड इन काठमांडू इंडिया वन द टाइटल क्लियर है किसको हराया हराया है यहां पर कजाकिस्तान को बट जीतने का ही पूछेगा हारने का नहीं पूछेगा हम बात करते हैं स्पोर्ट्स करेंट अफेयर जून दो की चलिए कर्टेन्स कम डाउन टू तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अब पढ़ा चुका हूं मेरे ख्याल से ये बनारस में हुए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दो हज़ार बाईस का जो एंड हुआ है वो बनारस में यहाँ पर हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी जीत के निकल के आई है पंजाब यूनिवर्सिटी इस बार जीत के निकल के आई है यूपी ने ऑर्गेनाइज किया था ऐसा कहा गया मंत्री जी के द्वारा कि भाई ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसको यूपी ने बेस्ट ऑर्गेनाइज किया तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नोट करिएगा इससे पहले जो है वो आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी थी बंगलुरु यूनिवर्सिटी थी ना बैंगलोर को ये दिया गया है कि बेस्ट जो खेलो इंडिया वो में गए और पंजाब के निकल के है वो लास्ट का खत्म हुए हैं बनारस में खत्म हुए हैं आगे आ जाइए भवानी देवी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिएट हिस्ट्री फर्स्ट इंडियन फेंसर है ये टू विन मेडल इन एशियन चैंपियनशिप नोट किया जाए ये नोट कर लिया जाए ये भवानी देवी इनका नाम है ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन फेंसर हैं जिनको एशिया चैंपियनशिप में मेडल यहां पर मिला है नोट कर लिया जाए क्लियर है आगे आइए कोलकाता टीम इमर्जेस विक्टोरियस इन हिस्टोरिक दुबई वुमेन्स कबड्डी फाइनल अब इसको छोड़ सकते हैं आप ये दुबई वुमेन्स कबड्डी फाइनल में यहाँ पर कोलकाता की टीम जीत के आई है जो अगेन छोड़ सकते हैं जुलाई पे आ जाते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स

किया जाएगा, <coughs> Max, आपको नाम देख लीजिए, ये पहली बार जीते हैं कहाँ पर? Silverstone circuit पे, ठीक है? अलग-अलग होते हैं तो एक सर्किट है Silverstone circuit, उसमें यहाँ पर ये पहली बार जीते हैं क्लियर आगे आते इंडियन शटलर जिनका नाम है लक्ष्य सेन इन्होंने कनाडा ओपन जीत लिया है इन्होंने कनाडा ओपन यहाँ पर जीता है 2023 नोट किया जाए कनाडा ओपन 2023 हजार नोट किया जाए अजीत सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है अजीत सिंह को यहाँ गोल्ड मिला है अजीत सिंह को यहाँ पर गोल्ड मिला है अजीत सिंह क्लिंच गोल्ड मेडल किसमें फाइनल्स में किसके मेंस जावलिन थ्रो के

टीन यंगेस्ट इन वर्ल्ड टू क्रॉस नॉर्थ चैनल अब इस टीन टीन का नाम क्या है उसका नाम है अंशुमन जिंगरान नोट किए गए अंशुमन जिंगरान इसका नाम है ये यंगेस्ट पर्सन है इन वर्ल्ड टू क्रॉस दी नॉर्थ चैनल यंगेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड जो नॉर्थ चैनल को क्रॉस कर चुका है उसका नाम है अंशुमन जिंगरान आगे आ जाइए नेक्स्ट विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैं एक मिनट में पानी ले, ले लेता हूँ थोड़ा घोना गलत रहा है तब तक आप लोगों को सोशल लोग चाहिए मैं एक मिनट पानी लेके आऊँ am i audible <laughs> am i audible <coughs>

उत्कला दिबास दिबासा इस दिवस इज ऑब्जर्व ऑन फॉर्मेशन ऑफ विच स्टेट देखो यार ये नाम पड़ा है ऐसे उत्कल दिवस से अब आपने सुना होगा उत्कल हम लोग जनगणमण गाते हैं तो उसमें ही वर्ड आता है ये पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल है ना तो बेसिकली उत्कल दिवस यहाँ दिब दिवा, दिबासा से मतलब दिवस दिवस से तो ये उड़ीसा में लाई करता है तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है प्लांट माइकोलॉजिस्ट इज द फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन इन दर्ल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट अ प्लांट फंगल डिजीज पहला व्यक्ति कौन है जो जिसको प्लांट फंगल डिजीज हो गया है वो इंडिया का है सी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है सी करेक्ट आंसर है ध्यान रखेगा कंट्री का कौन सी कंट्री का इंडिया का वो इंडिया में ये पहला व्यक्ति पाया गया है जिसको प्लांट फंगल डिजीज यहाँ पर पकड़ा गया है

तो यहां सी इसका करेक्ट आंसर है इसका बी हटा दीजिएगा सी करेक्ट आंसर है यूके में ये फैल रहा है मैं तो देखो कराता जाऊंगा क्वेश्चन मैं तो क्वेश्चन कराता जाऊंगा देखो मैं तो क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा ठीक है क्लियर चलिए अगला सवाल देखिएगा को belong करते हैं हैं के प्लेयर है, Petra Kivota, इन्होंने कजाकिस्तान के एलेना रीना को हराया है तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है एक बड़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर बड़ी प्लेयर हार गई हैं और ये पहली बार मियामी ओपन जीती हैं तो कोई नया यहाँ पर हमें कंटेंडर देखने को मिला यहाँ नया विजेता देखने को मिला इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट लीन डायबिटीज कंडीशन इज स्प्रेडिंग अमंग द ट्राइबल पीपल ऑफ विच स्टेट अभी लीन डायबिटीज जो है ये काफी न्यूज में रहा लीन डायबिटीज ये किस राज्य में फैल रही है बी छत्तीसगढ़ में आपको ये फैलते हुए दिख रही है इसको नोट कर लिया जाए छत्तीसगढ़ मेडिकल कंडीशन लीन डायबिटीज होती क्या है एक ऐसी मेडिकल कंडीशन दैट स्ट्रेस स्ट्रेस आपको मिलता है है दो तरफा होता है। एक तो स्टारवेशन का भूख लग रही बहुत ज्यादा और दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स का ओवरलोड ऑफ होता है कार्बोहाइड्रेट्स दोनों विच कंट्री लॉन्च दी ओवरसीज सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम किस कंट्री ने ओवरसीज सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया जापान ने लॉन्च किया है नोट कर लिया जाए जापान ने लॉन्च किया है नोट कर लिया जाए

आगे आ जाइए नेक्स्ट कैबिनेट अप्रूव लीगो इंडिया में है और वर्ल्ड की थर्ड बनने जा रही है कहां पर महाराष्ट्र यानी कि इंडिया में कहा पर मिला है नॉड महाराष्ट्र यानी कि इंडिया में इसका नॉड यहां पर मिला है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है आगे आइए ऊर्जा ऊर्जा गंगा पाइपलाइन किस कंट्री का है

जो बेसिकली दलित के वेलफेयर के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं या फिर काम करता है तो उनको रिकोगनाइज किया जाएगा कौन सा स्टेट है वो तेलंगाना इज द स्टेट नोट किया जाएगा तेलंगाना ये स्टेट है और ये हर उस व्यक्ति को मिल सकता है मतलब रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो दलित के वेलफेयर के लिए यहाँ पर काम कर रहा है आगे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग ईस्ट जिसको बोला जा रहा है

गुप्ता बनी है मिस इंडिया 2023 आगे आइए कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने एक यहाँ पर रिपोर्ट रिलीज करी है रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ दर्ल्ड चिल्ड्रेन दो हजार फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन रिपोर्ट ये रिपोर्ट किसने छापी है यूनिसेफ के द्वारा छापी गई यह रिपोर्ट है वेरी इंपॉर्टेंट द स्टेट ऑफ दर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2023 आगे आइए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है तो देख चुके हैं हम लोग अभी हमने बताया था आपको कि संगठन से समृद्धि वाला स्कीम इसका क्या ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है कि जो मार्जनाइज रूरल वुमेन हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नेटवर्क में कनेक्ट करना और उनको यहाँ पर एंगेज करना यह है आपका संगठन से समृद्धि इंडिया यहाँ पर पहला कंट्री हो गया है इन द वर्ल्ड टू हैव एनुअल रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड क्रॉसिंग दी हंड्रेड बिलियन मार्क ध्यान रखिएगा हंड्रेड बिलियन मार्क का जो जो, जो आ, जो नंबर्स है उसको क्रॉस करने वाला भारत पहला कंट्री हो गया मतलब रेमिटेंसेज रेमिटेंसेस क्या होते हैं जो हम जो मतलब जैसे मान लीजिए यूएस में कुछ इंडियंस काम कर रहे हैं तो वो जो सैलरी उनको मिल रही है उसका पैसा कुछ वो इंडिया भेज रहे हैं

क्लियर है और ये जो 26 स्टेट्स में एक्सरसाइज है? है? कल हो गया लेकिन अभी भी कराऊंगा मोहम्मद शाहबुद्दीन कहा के नए नए प्रेसिडेंट बने हैं अभी नोट करिएगा मोहम्मद शाहबुद्दीन बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने डी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रिसेंटली बने हैं आगे आइए बिग कैचअप इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है नोट किया जाए बिग कैचअप इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है डब्ल्यू एच के द्वारा ठीक है अब ये देखिए यहाँ पर क्या है टू रिस्टोर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्रेस लॉस ड्यूरिंग द पैंडेमिक पैंडेमिक के वक्त पे जो बहुत सारे लोगों को जो वैक्सीन लगनी चाहिए नहीं लग पाई तो बेसिकली जो प्रोग्रेस था वो खो गया लॉस्ट हो गया कम हो गया उसको करने के लिए यहाँ पर कैच 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 हमको अपने बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दो ध्यान रखिएगा कौन छापता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट नोट करेगा वर्ल्ड बैंक वेरी इंपॉर्टेंट तो डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन छापता है वर्ल्ड बैंक फिर आइए पर एक फिट फॉर 55 पैकेज ये किससे एसोसिएटेड है ये आपका यूरोपियन यूनियन से एसोसिएटेड है नोट करिएगा फिट फॉर 55 पैकेज किससे रिलेटेड है यूरोपियन यूनियन से इट एम्स रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन बाय 55 परसेंट बाय 2030 थाउजेंड कंपेयर टू नाइनटीन नाइनटी तो बेसिकली यहां पर क्या ऑब्जेक्टिव है इसका फिट फॉर 55 पैकेज का कि कार्बन एमिशन को हमको 55 से कम करना है बाय

लास्ट की क्लास थी वो देख सकते हो आइए निमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी ये असम स्टेट से रिलेटेड है इसने अभी क्या किया है इस दिमासा इंटरनेशनल लिबरेशन आर्मी ने ये इसने असम गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर पैक्ट साइन किया है इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि ये अभी एसोसिएटेड है असम स्टेट के साथ तो दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी जो है ये असम के साथ एक पैक्ट यहाँ पर साइन करके बैठी हुई है काय के लिए पैक्ट क्या है पैक्ट ये है इस पर्टिकुलर नेशनल आर्मी का कि हम 2024 तक हम 2024 तक नॉर्थ ईस्ट को इंसर्जेंसी फ्री बना देंगे नॉर्थ ईस्ट को इंसर्जेंसी फ्री कर देंगे ये यहां पर डील हुई है और ये दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी जो है असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पैक्ट किया हुआ है क्लियर आगे आइए विच कंट्री ऑर्गेनाइजेज द्री लैंड कैंपेन फॉर इंडिजिनियस पीपल इंडिजिनियस लोगों के लिए फ्री लैंड कैंपेन चलाता है सी ब्राजील चलाता है नोट किया जाए आगे आइए अफ्रीका का जो स्वाइन फीवर है वो इंडिया के पिग्मी हॉक्स को परेशान कर रहा है तो सवाल ही हो सकता है पिगमी हॉक कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों इंडिया में मिलते हैं पिग्मी हॉक कहाँ मिलते हैं इंडिया में और ये जो स्वाइन फीवर है अफ्रीका का ये परेशान कर रहा है इंडिया के पिगमी हॉक्स को नोट किया नेक्स्ट विस सिटी इज होस्टिंग दी योगा महोत्सव टू कम्युनेट 50 डे काउंटडाउन टू दी इंटरनेशनल योगा डे सी जयपुर कर रहा था योगा महोत्सव उसने मनाया था 50 down, 50 डाउन जब डेज बचे थे इस इंटरनेशनल योगा डे को वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे 2023 की तो इंडिया की रैंक 161 है इसमें और नॉर्वे में इसको टॉप किया हुआ है नोट किया जाए वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जिसको हम लोग यहां पर जो रिपोर्ट आती है साइंस

ये किस स्टेट या यूटी में लाई करता है तमिलनाडु में लाइक में लाइक किया था तो ये कहां पर लाइक करता है ये स्टेट है रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट आई है रेस नेट जीरो अब ये किसने छापी है इसको रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन के द्वारा ठीक है ना सोशल कमीशन के द्वारा जिस ठीक है इसको हम इकोसॉक कहते हैं फॉर आगे सॉरी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक इसको पर कह रहे हैं क्लियर है इसने इसको रिलीज किया है इस रिपोर्ट के हिसाब से आप देखो तो ये लिखा है कंट्रीज जो है एशिया पैसेफिक में दे आर इनसफिशियंटली प्रिपेयर टू फेस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स तो रिपोर्ट कहती है कि कंट्रीज जो है एशिया पैसेफिक की वो तैयार नहीं है नेचुरल डिजास्टर्स को झेलने के लिए आगे आइए ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट ग्रिड 2023 इसको रिलीज किया है किसने इंटरनल कहां पर है नग, लाई करता है कई बार बता चुका हूँ लास्ट ईयर भी विंग्स इंडिया दो हजार कहां पर हुआ विंग्स इंडिया दो हजार कहां पर हुआ पढ़ा चुका हूँ आपको लास्ट फेस्ट में हैदराबाद में हुआ क्लियर है फिर आइए टाइफून मावार कहाँ पर आया ये आया यूएसए की जो एक है टेरिटरी या स्टेट इसका नाम है गुआम वहां पर आया बहुत हैवी रेनफॉल हुआ ठीक है ना और ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून कहा जा रहा है जो यूएस को हिट किया है ठीक है इन ओवर टू डिकेड्स, लास्ट टू डिकेट्स में टाइफून मवार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था जो यहाँ पर हिट किया हुआ है

नोट करिएगा सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन ये यहाँ पर AE अपील स्कीम इन्होंने यहाँ पर लॉन्च करी है क्लियर है चलिए आगे आ जाते हैं मूविंग नेक्स्ट इंडियन रैंकिंग 2023 की बात करेंगे इंडिया रैंकिंग 2023 जो तेईस निकालता है ठीक है ना is, uh, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है इसकी तरफ से आती है इंडियन रैंकिंग 2023 तो उसमें आईआईटी मद्रास फर्स्ट पोजीशन पर रहा है ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास यहां पर रहा है क्लियर है आगे आ जाइए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चलो देखो देखा किसका का. वो कहां पर हुआ, हुआ? कोलंबो में एक्साइज कौन सी है करा चुका हूं, बस एक बार करते जाते हैं. आगे देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर एक्साइज है कोप इंडिया क्या नाम है कोप इंडिया किसके किसके बीच में होती है इंडिया यूएस के बीच में होती है ये बता चुका हूँ इंडिया यूएस के बीच में कोप इंडिया यहां पर होती है आगे आइए एक्साइज कवच एक्साइज कवच ये कहा अंडमान निकोबार में हुई और यहां पर इंडिया के तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड सब यहाँ पर थे आगे आइए ओरियन एक्साइज ये आपकी इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है इंडिया और फ्रांस यहीं पर आपको याद रखना है फ्रिंजेक्स भी आपको याद रखना है ठीक है ना ये भी आपका इंडिया और फ्रांस के बीच में यहाँ पर हुआ था क्लियर है आगे आ जाइए नेक्स्ट अब देखिए यहां पर पार्टिसिपेशन हुआ ऑफ इंडियन इन इन 23, इन, यो, इन इन इनकियोस 23 23 योर नोट किया जाए कहां पर हुई है ये ग्रीस में हुई कहां हुई ये ग्रीस में हुई नोट करिएगा और ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है यानी कि कई सारे कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है कई सारे क, उसमें कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लियर है फिर उसके बाद आ जाइए यहां पर नेक्स्ट है हमारा

उसके लिए यहाँ पर यह एक, एक तरीके से सॉरी ये आपकी जो है एक लार्ज एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट साइबर डिफेंस ड्रिंग साइबर डिफेंस एक्साइज है नोट करिएगा ये आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्साइज है नोट कर लीजिए क्लियर है आगे आ जाइए नेक्स्ट इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन कावेरी ऑपरेशन कावेरी कहा कि लॉन्च किया है कि जो लोग हमारे सिटीजन सूडान में फंसे थे उनको लेके आने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया ऑपरेशन गंगा था जो यूक्रेन से लोग लेके आए थे तो ऑपरेशन गंगा था सुडान है ना और सूडान से लेके आए तो ऑपरेशन कावेरी नदियों के नाम पे यहां पर यहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहे हैं ठीक है थीके? आगे आ जाइए अब एक है है वारियर। क्या है जिसका नाम नाम अजय क्या अजय वॉरियर 2023 ये कहां पर हुई ये आपकी यूके में हुई इंडो यूके के बीच में होती है एक्साइज आगे आ जाइए नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर फाइव वुमेन कैडेट्स हैं फाइव वुमेन कैडेट्स हैं जो कमीशन कर ली गई है किसमें? आर्मी के आर्टलरी रेजिमेंट के अंदर

आगे आ जाते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ये आप देखिए तस्वीर इनकी नेक्स्ट डिफेंस करंट अफेयर्स की next, बात कर लेते हैं आसियान और इंडिया का maritime हुआ है, जिसको हम लोग ये पहला है ये मेडन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ठीक है ना ये मेडन है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एम ए आई एम ई क्या बोल रहे हैं एम वेरी इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी में ये होगा क्लियर है उसके अलावा आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट अब ये एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया गया एक यहाँ पर मल्टी मॉडल एक्सपीडिशन है जिसका नाम है एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान

ये जो है ये पहली ओवरसीज एक्साइज है इंडियन एयरफोर्स रफाल जो यहाँ पर उड़ेंगे और ये आपकी ओरियन मिलिट्री एक्साइज कई सारे कंट्रीज हैं इसमें इंडिया और फ्रेंच के इससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसे ध्यान रखना ये नहीं कि इंडिया फ्रांस की है ये भूल ऐसा मत ऐसा करना गलती कर देना ये मल्टी नेशनल एक्साइज है ठीक है ना ये आपकी मल्टी नेशनल एक्साइज है इसमें इंडिया और फ्रांस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया का रफाल यहां पर रहेगा क्लियर है क्लियर तो यहाँ पर फर्स्ट वो फीमेल पायलट कौन है रफाल उड़ाने वाली फर्स्ट वुमेन इंडिया की फर्स्ट इंडिया फर्स्ट वुमेन रफाल पायलट शिवांगी सिंह फर्स्ट कौन है शिवांगी सिंह नोट कर लिया जाए आगे आ जाइए डीआरडीओ ने यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है

होना और उनकी फायर पावर कैपेबिलिटीज को यहाँ पर क्या करना सिंक करके इंक्रीज करते रहना गया ये। ये कर दिया गया है नोट की मगर, इसको कर लिया जाए चलिए आगे आ द नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए ये एल एस फिफ्टी है जिसको हम लोग सुसाइड बॉम्बर कह रहे हैं ए एल एस फिफ्टी क्या है ये सुसाइड ड्रोन इसको बोला जाता है सुसाइड ड्रोन और ये वर्टिकल टेक ऑफ़ करते हैं वर्टिकल लैंडिंग करते हैं ये पहला इंडिजिनसली बनाया गया ये आपका लॉयटरिंग म्यूनिशन है लॉयटरिंग म्यूनिशन है ये

और पैड भी उसको कहते हैं नोट कर लिया जाए कहाँ पर हुई है ये अंडमान सी में हुई है कहाँ पर हुई है नोट किया जाए अंडमान में हुई है अंडमान सी में यहाँ पर हुई है क्लियर है क्लियर है आगे आ जाइए नेक्स्ट इंडिया इंडियन इंडोनेशिया बायलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति टेस्ट नोट किया जाए किसकी किसकी बीच की है इंडो इंडोनेशिया के बीच की एक्सरसाइज है आगे आइए विंग इंडिया 2024 बता चुका हूं आपको विंग इंडिया चौबीस बता चुका हूँ अभी अभी इसका एवियन से ना तो इसको यहाँ पर बता चुका हूँ ये कहा नो दिस ना आगे आ जाइए नेक्स्ट आर्मी कंडक्ट सुदर्शन शक्ति एक्साइज सुदर्शन शक्ति में आपको सभी लोग मिलेंगे ठीक है सप्त कमांड है ये सब लोग यहाँ पर मिलेंगे इम्पोर्टेंट हो जाता है आगे आ जाइये अब नेक्स्ट देखिएगा ये एक्साइज देखिए अल मोहद अल हिंदी 2023 ये आपकी नेवल एक्साइज है ये नेवल एक्साइज है इसमें आई तरकश पार्टिसिपेट कर रही है आई एन पार्टिसिपेट कर रही है साउथ दिल्ली में जाके तो एक्साइज का नाम है अल मोहद अल हिंदी 2023 एक्साइज है जिससे इन दोनों कंट्रीज के टाइज जो है और डीप होंगे साइक्लोन आया म्यांमार में तो ऑपरेशन करोना चलाया गया साइक्लोन साइक्लोन का नाम था मोका ध्यान रखिएगा सारे साइक्लोन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साइक्लोन तस्लीम सब नाम जो जो यहाँ पर आपने पढ़े थे क्लियर है आगे आ जाइए नेक्स्ट राजनाथ सिंह इनग्रेटेड कंट्री का फर्स्ट कंट्री का देश का पहला एयरफोर्स हेरिटेज केंटर भाई एयरफोर्स जो हमारे एयरफोर्स का पुराना, पुराना पुराने पुराने चंडीगढ़ में खुला है पहला इंडिया, इंडिया एयरफोर्स मेड पेटेंट एयरक्राफ्ट था जिसका नाम है कानपुर वन विंटेज प्रोटोटाइप उसको भी यहाँ पर रखा गया है आगे आ जाइए डिफेंस करेंट अफेयर्स जून की बात कर लेते हैं नाटो ने यहाँ पर एक्सरसाइज करी है इसका नाम है आर्टिक एक्सरसाइज और ये करी है अपने नए कंट्री फिनलैंड के लिए नेक्स्ट शालिनी सिंह यहाँ पहली शालिनी सिंह यहाँ पर पहली वो लेडी हो गई है फर्स्ट फीमेल है एनसीसी कैडेट जिन्होंने माउंटेनियरिंग कोर्स को यहाँ पर कंप्लीट किया है हिमालयन रीजन के अंदर नेक्स्ट अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ टेस्ट फायर किया गया और पहली बार ये टेस्ट ये जो है वो नाइट में हुआ है ठीक है ना तो इंडक्शन इसका करने ट्रायल तो सारे हो चुके हैं लेकिन पहली बार प्री इंडक्शन इंडक्शन करने से पहले ट्रायल किया गया नाइट ट्रायल ठीक है ना तो ये चीज यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। in पहली पहली बार बार हुआ है। पहली बार India, France, UAE, Maritime Partnership हुई है ये ये ध्यान रखिएगा। और पर पर? हुई 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 है? है। 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 नोट Gulf of है. नोट करिएगा। करिएगा। में 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 आगे आ जाइए नेक्स्ट छोड़ दीजिए इसको इंडो मालडिव ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इसका नाम लिख लीजिएगा इसका प्लीज नाम लिख लीजिए यहाँ पर एक नाम लिखिएगा एकु एकुवेरन ये आपकी हो गई इंडिया मालदीव्स की ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज इंडिया मालदीव्स की ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज आगे आ जाइए लॉन्च ऑफ संशोधक फोर्थ शिप ऑफ सर्वे वेसल अब देखो यहाँ पर जैसे बताया मैंने एक आपका सर्वे वेसल लार्ज ये कैटेगरी है शिप्स की इसको बोल रहे हैं हम लोग सर्वे वेसल लार्ज सर्वे वेसल लार्ज अब ये जो वेसल है इसका इसकी फोर्थ शिप है संशोधक क्या नाम है इसका संशोधक नोट कीजिएगा संशोधक नोट करिएगा संशोधक आगे आइए नेवी ने लॉन्च किया है जूले लद्दाख जूले का मतलब क्या होता है हेलो लद्दाख क्या होता है हेलो लद्दाख तो बेसिकली नेवी के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ के लोगों के लिए

क्वेस्ट नोट किया जाए एक्स खान क्वेस्ट इसमें यहाँ भारत ने पार्टिसिपेट किया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है कहाँ पर ये हुई है नोट <coughs> किया जाए मंगोलिया कहा हुई है मंगोलिया कहा मंगोलिया आगे आ जाइए नेक्स्ट इंडियन नेवी फॉर्म ओशन रिंग ऑफ योगा अब ओशन रिंग ऑफ योगा बताया मैंने इंडिया के जो नेवीज हैं शिप है उनको डिप्लॉय किया गया उश, इंडियन ओशन के अंदर और वो नेबरिंग कंट्रीज से जाकर मिलते हैं और योगा डे के बारे में उनको बताते हैं इसको ओशन रिंग ऑफ योगा यहाँ पर बोला जा रहा है आगे आ जाइए नेक्स्ट डिफेंस मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर इनाग्रेट किया है एक इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स इस इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स को हम लोग ध्रुव बोल रहे हैं क्या बोलते हैं ध्रुव तो ये हमारा एक इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स है आगे आ जाइए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंडेक्स अब ये इंडेक्स एक्स क्या है देखिए इंडेक्स एक्स क्या है नोट किया जाए इंपॉर्टेंट है फिर से हमारे जो इंडिया और यूएस के जो स्टार्टअप्स हैं और ये स्टार्टअप्स हमारे काम करते हैं डिफेंस की फील्ड से लेकर तो इनके बीच कोलैबोरेट करना और इनके इनके जो आ, मतलब हमारे जो इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो और अच्छा परफॉर्म कर सकें इसलिए यहाँ पर इस चीज को अनवील किया गया दैट इज इंडस एक्स इंडस एक्स नोट किया जाए इंडस एक्स क्लियर है आगे आ जाइए लेफ्टिनेट जनरल एम नायर को अपॉइंट किया गया है क्या इनको अपॉइंट किया गया है एज नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की तरह अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट जापान इंडिया के बीच में एक्साइज हुआ जिसको बोलते हैं क्या क्या पर हुआ है ये देख सकते हैं हैं को हम लोग बोलते आगे आ जाइए यूएस और इंडिया के बीच में यहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ इसको बोलते हैं ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इल्लीगल और डेंजरस ड्रग्स की यहाँ पर शिपमेंट हो रही है उस इलीगल ड्रग्स और डेंजरस ड्रग्स की शिपमेंट को रोकने के लिए यहां पर ऑपरेशन चलाया गया जिसको बोलते हैं ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड और इसको यूएस और इंडिया ने मिलकर यहां पर चलाया हुआ है इसको यहां पर नोट कर लिया जाए क्लियर है इसको यहां पर नोट कर लिया जाए आगे आ जाइए नेक्स्ट

आगे आ जाइए चाइना रशिया ईरान होल्ड ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स और यहाँ पर इसका ड्रिल का नाम क्या है सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 नोट करिएगा सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 जो है वो यहाँ इसका नाम है आगे आइए ऑपरेशन त्रिनेत्र ट्रू जम्मू कश्मीर के अंदर से जो भी यहाँ पर हाइडिंग टेररिस्ट है उनको मार के उधेड़ के बाहर निकाल देना ये ऑपरेशन टू का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर टंकाई मेथड ये हमारा शिप बनाने वाला एक एंशंट मेथड है जिसको हम लोग तंकाई मेथड कहते हैं और यही चीज क्या है इट इज एंशियंट स्टिज शिपिंग बिल्डिंग मेथड जिसको हम लोग टंकाई मेथड कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी इस पर कोलाब्रेशन कर रहा है कैसे हम इस पर्टिकुलर मेथड को दोबारा से रिवाइव करेंगे आगे आ जाइए लार्जेस्ट एवर ऑस्ट्रेलिया यूएस एस यहाँ पर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको नाम है तालिसमान साबरे नोट किएगा तालिस्मान साबरे उसका नाम है आगे आ जाइए न्यूली कंस्ट्रक्टेड नेशनल मार्टायर्स मेमोरियल न्यू नेशनल मार्टयर्स मेमोरियल इसको अनवील किया गया है एट जगजीवन आरपीएफ एकेडमी लखनऊ में कहां किया गया है नेशनल मार्टयर्स मेमोरियल को आरपीएफ एकेडमी में किया गया है ठीक है ना दैट इज रेलवे प्रोडक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं आरपीएफ एकेडमी आगे आ जाइए इन नेशनल करंट अफेयर्स अप्रैल की बात करते हैं पीएम मोदी टू इनॉग्रेट सीबीआईस डायमंड जुबली सेलिब्रेशन अब देखो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन क्योंकि सीबीआई को डायमंड जुबली मना रहे हैं भैया तो सीबीआई पे काफ़ी सवाल यहाँ पर बन सकते हैं ये कुछ पॉइंट्स हैं इसको याद रखिएगा कि सीबीआई को स्टैब्लिश किया गया था पहले ये आई थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर लेकिन उसको बाद में ट्रांसफर कर दिया गया और आज की डेट में जो सी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंदर यहाँ पर आती है इसको बनाया गया था ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ दी दाम सनाथन कमीशन फंक्शन किसके अंदर करती है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ये फंक्शन करती है ये ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ना ही स्ट्रेटेजरी बॉडी है ध्यान रखिएगा ठीक है और केसेस क्या है ब्राइबरी अबरी के केसेस ये देखती है आगे आ जाइए सागर सेतु मोबाइल ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है दैट इज फॉर नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन की बात यहाँ पर करी जा रही है इस ऐप के तहत क्या होगा हम मोबाइल एप्स को अलाउ कर सकते हैं ईजियर एक्सेस हो सकेगा

पीएम ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट इंपॉर्टेंट है बिग कैट लॉन्च किया और इसमें क्या देखेंगे जो सेवन बिग कैट्स होते हैं टाइगर लॉयन लेपर्ड स्नो लेपर्ड चीता इनको कंजर्व करने की बात करी गई है इस ये कब लॉन्च किया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस ये जब पचास साल पूरे हो गए प्रोजेक्ट टाइगर को जिसको नाइनटीन में इसका मतलब इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था नाइनटीन में प्रोजेक्ट टाइगर ठीक है ना अब इसको इस इस अवसर पर प्रोजेक्ट टाइगर के अवसर पर 50 इयर्स कम्युनिट कर रहे हैं हमने पब्लिकेशन भी रिलीज किया अमृत काल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन ये एक समरी रिपोर्ट भी निकाली है यहाँ पर एक सिक्का भी यहाँ पर इसको जन किया गया है ये सब चीजें यहाँ पर करी गई हैं आज की कब स्टार्ट हुआ नाइनटीन और आज की डेट में आप देखोगे तो फिफ्टी टाइगर रिजर्व हमारे कंट्री में हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को यहाँ पर स्टेटस दे दिया है नेशनल पार्टी का बाकी एनसीपी टीएमसी और सीपीआई पहले एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैंने बताया था आम आदमी पार्टी जो है वो एक हमारी नेशनल पार्टी बन गई है और इसके साथ ही वो यहाँ पर नाइन्थ पोलिटिकल पार्टी होगी लेकिन अब क्या हुआ है अब क्या हुआ है कि तीन पोलिटिकल पार्टी खत्म हो गई हैं मतलब सॉरी नेशनल स्टेटस खत्म हो गया है उनका दैट इज एनसीपी था वो खो गया है और अब जो है छह खाली पॉलिटिकल पार्टीज बची हैं नेशन के अंदर सिक्स नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ कंट्री के अंदर हैं और अभी इस वक्त चल रही है बाकी खत, बाकी हट गई है क्या क्राइटेरिया होता है वो यहाँ पर दे रखा है मैंने कि कब कोई एक पोलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा पाएगी पहली कंडीशन है कि भैया उस पॉलिटिकल पार्टी को एटलीस्ट सिक्स परसेंट जो वोट्स हैं वो मिले हों चार या उससे अधिक स्टेट्स के अंदर अगर लोकसभा के इलेक्शन की बात हो रही है या असेंबली इलेक्शन की बात हो रही है ठीक है ना तो आपको पहले एटलीस्ट सिक्स परसेंट यहाँ वोट मिलने चाहिए इन एटलीस्ट फोर और मोर स्टेट्स के अंदर ऐसा नहीं खाली एक स्टेट के अंदर फोर और मोर स्टेट्स के अंदर मिलना चाहिए दूसरा पॉइंट है कि सेकेंड एटलीस्ट टू क्या हो लोकसभा की सीट्स आपको मिल गई हो एन हैज कैंडिडेट फ्रॉम एटलीस्ट थ्री स्टेट्स और आपके पार्टी कैंडिडेट्स कम से कम तीन स्टेट में होने चाहिए और तीसरा एटलीस्ट फोर स्टेट्स में आपको रिकोगनाइज किया जाना चाहिए एज स्टेट पार्टी मतलब अगर आप चार राज्यों के अंदर स्टेट पार्टी है तो आप एक नेशनल पार्टी बन सकते हैं आम आदमी पार्टी इसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर जो है नेशनल पार्टी बना है क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में था आम आदमी पार्टी पंजाब में था फिर गोवा में पहुंचा और अब गुजरात में पहुंच गया ठीक है ना

कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया स्टील 2023 हजार तेईस कहाँ इनग्रेट हुआ है नोट कर लीजिए मुंबई में हुआ है इंडिया स्टील 2023 हजार तेईस कहाँ पर हुआ है मुंबई में हुआ है आगे आ जाइए युवा पोर्टल युवा पोर्टल क्या है इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल यूथ के साथ स्टार्टअप्स वाले तो इट विल बी हेल्पफुल इन कनेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स नोट कर लिया जाए पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स नोट कर लिया जाए क्लियर भाई हो के नहीं हो हो के नहीं हो भाई तुम लोग ऐसे करके बना देना फिर एक ठीक है ना ये ऐसा होता है ना तो ये तुम आधा बना देना ठीक है क्लियर पेपर्स भेजना जल्दी जल्दी जब मैथ्स का पेपर हो जाए तो शेयर करना मुझसे या कहीं भी शेयर कर पाओ टेलीग्राम पे शेयर करना कैसे भी कर पाओ सब लोग हो गए नहीं सो हो गए हो खोल के पता चला क्लास चल रही है और सब खो गए सो चुके हैं सो रहे है भैया आराम से चलो अब मैं कुछ आपको करंट अफेयर्स और भी कराता हूँ जो मुझे लगते हैं थोड़े से और इम्पोर्टेंट है और इस पर हम लोग और नज़रें डाल सकते हैं देखो यार ये तो बहुत सारे हैं और ये मैं करा चुका हूँ आपको ना अब मैं थोड़े और ऐसे कोशिश करता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाए हैं और मैं पहली बार आपको मतलब रिवाइज करा दूँ अभी तक उसको रिविजन भी मैंने नहीं कराया आपका उसको ठीक है कुछ एक चीज़ है चलिए उसको देख लेते हैं ठीक है ठीक है चलिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको लिखने पड़ सकती हैं वो आइए उसको यहां पर देखते हैं हम्म चलिए इंडिया का पहला रीजनल ए न्यूज एंकर नोट करिएगा चलिए नोट करिएगा इंडिया का फर्स्ट न्यूज एंकर ए आई न्यूज एंकर फर्स्ट ए आई न्यूज एंकर कौन हुआ है नोट करिए लीसा इसके ऊपर मैंने शॉर्ट पढ़ाया हुआ था और मैंने पीडब्ल्यू सरकारी एग्जाम पे क्लास भी वहां पर ली थी नोट करिएगा ठीक है मुकुर्ती नेशनल पार्क ये न्यूज़ में आया मुकुर्ती नेशनल पार्क नोट करिएगा कहाँ पर है ये बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पर है ये न्यूज़ में आया था रिसेंटली जो यहाँ पर यहाँ से बहुत ज़्यादा अभी जो जो पोचिंग हो रही है उसकी न्यूज़ आ रही थी तो पोचिंग को रोकने के लिए ये तमिलनाडु में है नोट करिएगा मुकुर्ती नेशनल पार्क न्यूज़ में था पूछ सकता है तमिलनाडु में है नोट कर लीजिए ठीक है अब एक न्यूज एक यहां पर डिजीज है इसका नाम है ब्रूसोलाइसिस नोट करिएगा ब्रूसोलाइसिस बी आर यू सी एल एल ओ सोलाइसिस ऐसे ही होगा तो ये बीमारी केरला में आजकल मिल रही है और ये ह्यूमन और एनिमल दोनों को इंफेक्ट कर रही है ह्यूमन और एनिमल बोथ इन्फेक्टेड हो रहे हैं इससे ठीक है ना बोथ इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं नोट करते जाओ कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पर नई नई चीजें हैं वो आप इसको नोट करते जाइए ठीक है और बता रहा हूं आपको मैं <coughs> जूलियस रॉबर्ट ओपन एमर फादर ऑफ बॉम्ब पढ़ाई होगा आप लोग ने है, है ना? इसको पढ़ाई होगा और देख लेते हैं कुछ कुछ करंट अफेयर और देख लेते हैं ठीक है और देख लेते हैं लिखिएगा दिल्ली में फर्स्ट आर वाटर एटीएम लॉन्च किया गया है दिल्ली में फर्स्ट आर वाटर एटीएम टी ऐसा निकालते हो यहां से पानी निकालोगे और आरो भी कहां पर हुआ है दिल्ली में नोट किया जाए कहां है दिल्ली में ठीक है इंडिया का फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट कहां पर आएगा इंडिया का फर्स्ट कैनेबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट इंडिया फर्स्ट कैनबिस कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट कहा नोट करिए जम्मू नोट करिए जम्मू कारगिल में फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन बना है लद्दाख में फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन कहां पर इन लद्दाख कहा कारगिल नोट किए ठीक है और चीजें बताता हूं रुको जरा कुछ बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं लिखिएगा कलर्स ऑफ डिवोशन किताब का नाम देखिए लिखिएगा कलर्स ऑफ डिवोशन बुक्स एंड ऑथर्स देखते हैं लिखिएगा कलर्स ऑफ डिवोशन कलर्स ऑफ डिवोशन बुक्स एंड ऑथर्स अनीता भारत शाह की है लिखिए किसकी है अनीता भारत शाह की अनीता भारत शाह की है बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट है याद करते जाइए विनोद मंकरा की नई किताब आई है विनोद मंकरा, मंकरा की नई किताब आई है काफी बड़े नाम है ये विनोद मंकरा क्या अचीवमेंट है इनका नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर राइटर है विनोद मंकरा ठीक है इनकी नई किताब आई है द एंसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो बिफोर चंद्रयान थ्री लॉन्च के पहले आई है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो नोट करिए प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अवॉर्ड ऑफ ऑफ रेनबो नोट कीजिए क्लियर नोट कीजिए लिखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू द ब्रोकन ग्लास थ्रू ब्रोकन ग्लास ये किसका है टीएन सेशन कोई बता सकता है कौन थे ये? था ये एनी वन इन दी कमेंट में बता सके टीएन सेशन कौन थे इनकी किताब आई है ऑटोबायोग्राफी है थ्रू दी ब्रोकेन ग्लास लिखिएगा भारत अलायंस लॉन्च किया गया है नोट करिए भारत सिक्स जी अलायंस लॉन्च किया गया है भारत सिक्स जी अलायंस को लॉन्च किया गया है कहां पर न्यू दिल्ली में कहां पर न्यू डेली में नोट किया जाए भारत जलाइंस थ्रेड्स लॉन्च हुआ है इंस्टाग्राम की तरह थ्रेड्स भी है थ्रेड्स को लॉन्च किया गया है है ना आप लोग तो इंस्टाग्राम पे यूज कर ही रहे होंगे इसको चंद्रयान थ्री को लॉन्च किया गया था कब 14 जुलाई इसका डेट इंपॉर्टेंट है चंद्रयान थ्री पे सवाल आएगा चंद्रयान थ्री 14 जुलाई 14 जुलाई ध्यान रखना सेवनटीन एटी नाइन फ्रांस का बेस्टाइल डे था तो चंद्रयान का ध्यान रखना इंडिया का लूनर मिशन कहाँ से गया सतीश धवन स्पेस सेंटर स्पेस सेंटर से गया श्री हरिकोटा से और कहाँ गया साउथ पोल ऑफ दी मून कहाँ भेजा गया है साउथ पोल ऑफ द मून अब तो पहुँच गया है ठीक है ना क्लियर है चलिए आगे देखते हैं कंट्री का पहला हैंड हेल्ड नेविगेशन सिस्टम नोट करिएगा इंडिया फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट हैंड हेल्ड नेविगेशन सिस्टम ठीक है हैंड हेल्ड नेविगेशन सिस्टम यहां पर अनवील किया गया है बेस्ड ऑन नाविक बेस्ड ऑन नाविक क्या नाम है उसका मतलब एलिना ने इसको इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का फर्स्ट नाविक नोट करिएगा एलिना जियो सिस्टम किसने किया इंडिया का फर्स्ट हैंड हेल्ड नेविगेशन सिस्टम बेस्ड ऑन नाविक दैट इज इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं है? है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आई आर एन एस एस तो इसको किसने किया है एलेना कंपनी का नाम बता रहा हूं क्लियर चलिए और देखिए स्पेस एक्स को लाइसेंस मिल गया है कि मंगोलिया में हाई स्पीड इंटरनेट वो कर सकता है ठीक है चला सकता है चलिए नोट करते जाइएगा इसको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है ई एस एन नोट कीजिएगा यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है ई एस स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है ई एस ए ने इसको लॉन्च किया है क्या ऑब्जेक्टिव है टू रिवाइव सोलर सिस्टम बॉडीज टू रिवाइव सोलर सिस्टम बॉडीज जो सोलर सिस्टम में बॉडीज हैं उनको रिवाइव करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को यहां पर क्या किया गया है लॉन्च किया गया है बाय ईएसए ऑब्जेक्टिव टू रिवाइव सोलर सिस्टम बॉडीज नोट किया जाए नोट किया जाए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप खुला है एक्स ए आई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्स ए आई ये एलोन मस्क का एलन मस्क का है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या है दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है जिसको एलॉन मस्क का बनाया हुआ है एक्स ए आई नोट कीजिए सर तो रुक जाओ सी एस एम बताओ क्या हुआ रुके हैं रुक रुक के पढ़ा रहे हैं मैं चूज कर रहा हूं क्या चीज इंपॉर्टेंट है किस रॉकेट से गया है चंद्रयान थ्री किस रॉकेट से गया है चंद्रयान थ्री कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ किस रॉकेट से गया है एलवीएम ठीक है ना एक नया इंटरनेट रैमसन वायरस आया है इसका नाम है अकीरा नोट कीजिएगा अकीरा यह आपका वायरस है रैमसम वायर वायरस नोट किया जाए रैमसम वेयर वायरस न्यू इंटरनेट रैमसम वेयर वायरस इंटरनेट रैमसमवेयर वायरस नोट किया जाए नोट किया जाए कर रहे हो नोट कहां पर हो तुम लोग अभी अपनी अपनी लोकेशन बताओ जरा कोई झांसी से है यहां पर एनीवन फ्रॉम झांसी जो देख रहा हो एनी वन फ्रॉम झांसी बायकुल्ला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड दिया गया है अवार्ड बायकुल्ला रेलवे स्टेशन बायकुल्ला रेलवे स्टेशन इसको क्या दिया गया है इसको क्या दिया गया है मुंबई का स्टेशन है ये यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड यूनेस्को का एशिया पैसिफिक एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड वो इसको दिया गया है हाँ जी कहां कहां हो ग्वालियर पटना इलाहाबाद ग्वालियर पटना गोरखपुर दिल्ली बसंत कुंज ग्वालियर मुस्कान त्रिवेदी पुणे एनडीए खड़क वासला सहारा देवांश वर्मा कह रहा है झांसी में कहाँ सेंटर है देवांश? बताओ सेंटर कहाँ गया है देवांश? गुरुग्राम पटना नागपुर प्रयागराज ग्वालियर कहाँ कहाँ है देखो एक बात तुमको तो बता देता हूं ये क्लास तो देख ही रहे हो मैंने बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फिर आगे कंटिन्यू नहीं कराई मैंने बता दिया मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट फिस्ट की क्लास देखना वहां मैंने जनवरी से लेकर मार्च तक करंट अफेयर्स कराए हैं पीडब्ल्यू सरकारी एग्जाम पे मैंने आपको मे और जून करंट अफेयर्स कराए हैं अच्छे से तो चीजें अलग अलग हैं बस ये है कंपाइलेशन में आपको देखना है इस क्लास के मतलब ये मत करना क्लास एग्जाम देके के आ गया ऐसा इसमें से नहीं आया अरे हो सकता है क्योंकि आने दसें सवाल हैं पढ़ाए गए हैं आपको छे सौ सवाल ठीक है ना कहां पर गया है सेंटर भाई तुम्हारा तुम बताए नहीं झांसी में कहां पर गया है नियर सेंटर ग्वालियर है अच्छा तुम झांसी से हो सेंटर ग्वालियर है तुम्हारा ओके पाकिस्तान से कौन है भाई कल बच गई पाकिस्तान हमारा हार्दिक पांडे और ईशान किशन ने मानना शुरू कर दिया था धज्जिया उड़ा देते ईशान किशन बस तो यही है ना थोड़ा सा इमेच्योर खेल गया मतलब मेरा ये था कि 37 सेवन हुए थे और उस वक्त इंडिया का स्कोर 200 210 के आसपास आ गया था अगर उस वक्त ईशान किशन आउट नहीं होता तो 40 ओवर तक उम्मीद ये थी कि इंडिया का स्कोर 220 प्लस हो जाता 225 के राउंड हो जाता और फिर आखिरी 10 ओवरों में कम से कम नहीं तो इंडिया अस्सी रन बनाता और स्कोर जो है तीन पार हो जाता और उतने में तो पाकिस्तान की हालत टाइट हो जाती क्लियर चलिए और देख लेते हैं और करंट अफेयर्स देख लेते हैं इसको लिख लो मुंबई का ये स्टेशन है जिसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड दिया गया है ये बाइकोला रेलवे स्टेशन मतलब मुंबई का स्टेशन है मुंबई का है ये नोट किया जाए मुंबई का है ये ठीक है और बताता हूं आपको ये नोट कर लो मोक्ष रौ, मोक्षा रॉय को यूके का प्राइम मिनिस्टर पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है यूके का यूके का प्राइम मिनिस्टर्स पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसको दिया गया ये नोट करिएगा मोक्षा रॉय को दिया गया है मोक्षा रॉय को दिया गया है क्लियर है नोट करिए इसको स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स में लिखिएगा एस जे वी एन लिमिटेड इसको फर्स्ट प्राइज मिला है लिखिएगा स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2023, स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2023, स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2023, इसमें एस जे वी एन लिमिटेड को यहां पर फर्स्ट प्राइज मिला है नोट किया जाए नोट किया जाए चलिए और देख लेते हैं थोड़े बहुत अभी तो टाइम है अपने पास थोड़े बहुत देखते रहेंगे तो थोड़ा सा कवर होता चला जाएगा चलिए देखते हैं आइए साइक्लोन बिपर जॉय कहाँ पर आया था अरेबियन सी में ध्यान रखना साइक्लोन बिपर जॉय बताया था ना साइक्लोन बिपर जॉय नोट करिएगा साइक्लोन कहा गया अरेबियन सी नोट किया जाए नोट किया जाए कॉर्मैक मैकार्थी पोलिटर प्राइस जीते थे इनकी डेथ हो गई है इसलिए इनको इनका नाम लिख सकते हैं आप कॉरमैक मैक कार्थी कॉरमैक मैक कार्थी ये पुलिटर प्राइज जीते हैं और अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई थी तो ऑबिटरीज में इनके बारे में पूछ सकता है क्योंकि एक बड़ी महानस्ती थी ठीक है केरला के पहले अशोक चक्र विनर हवलदार एलबी डिक्रूज उनकी डेथ हो गई है एलबी डिक्रूज केरला के फर्स्ट अशोक चक्र एलबी डिक्रूज केरला केरला के फर्स्ट के, अशोक चक्र विनर लिखिएगा फर्स्ट अशोक चक्र विनर डेथ क्लियर ठीक है नोट करते जाइएगा थोड़ा बहुत जो भी आ रहा है एक हजार साल पुराने जैन स्कल्पचर्स डिस्कवर किए गए हैदराबाद में तेलंगाना लार्जेस्ट द्वारपालपचर फाउंडेंस छोड़ दीजिए अच्छा बीपर है को ध्यान रखिएगा गुजरात को हिट किया था ऐसे लिख सकते हैं आप गुजरात सूरत सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन योगा डे लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन योगा डे सूरत में हुई थी उसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर बना है मुथा सेल्वी फर्स्ट तमिलनाडु वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट लिख लीजिएगा मुथा सेल्वी फर्स्ट वुमेन फर्स्ट केरला वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट ठीक है अगले वाले शौर्य बैच से आई विल डील विद योर थिंग्स ठीक है मतलब एक्चुअली मैं मैसेज uh, लिख रहा हूँ मैं टाइम थोड़ा कम रह पाया तो मैं वरना उसको क्रिएट करके लाता है एज आई जस्ट टोल्ड यू थिंग्स आर नॉट ओके इन घर, फैमिली में भाई थ्री ईयर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज कोरोनेशन कौरुने, डे थ्री फिफ्टी ईयर हो चुके हैं भाई शिवाजी महाराज कोरोनेशन सेरेमनी की गई है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये तो भाई ईयर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज कोरोनेशन थ्री फिफ्टी ईयर थ्री फिफ्टी ईयर थ्री ईयर छत्रपति शिवाजी महाराज इनका कोरोनेशन हुए इसको यहां पर कम्युनेट किया गया थ्री फिफ्टी तो पूछ सकता है इंडिया छोड़ दीजिए एक किताब में योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई ने लिखी है नोट करिएगा रूपा पाई ने लिखी है किताब का नाम लिखिए किताब का नाम लिखिए प्लीज राइट द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई रूपा पाई ठीक है अब और यहां पर किताब जो है के भट्टाचार्य की नई किताब है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर छोड़ सकते हैं आप बुक टाइटल कथाकली डांस थिएटर में छोड़ सकते हैं एक बुक है रिंग साइड इसको लिखा है डॉक्टर विजय दारदा इसको लिख लो किताब का नाम है रिंग साइड लिखी गई है डॉक्टर लिखिएगा किताब ऑसर का नाम लिख लीजिए और डॉक्टर विजय दारदा डॉक्टर विजय दारदा और कंटिन्यू करें कि बस करें करेक्ट टाइम फिर कोई एंड नहीं है देखो और पढ़ा दिया है सब अब बस रिवीजन कराना ये है कि बस अभी पीपीटी जो कि उस हिसाब से क्रिएट नहीं हो पाई थी इसलिए देखना पड़ रहा है विर्जिन गैलेक्टिक फर्स्ट मैन मिशन टू स्पेस फर्स्ट मैंड मिशन टू स्पेस ये नाम है मिशन का अब तो आप बताइए किस कंट्री का है यस yes. लास्ट मिनट टिप्स दे दें और खत्म करें ठीक है चलिए सलमान रजदी विंस प्रेस्टीजियस जर्मन पीस प्राइज 2023 ये नोट कर लो सलमान रजदी सलमान रशदी विंस जर्मन पीस प्राइज 2023 ठीक है प्रिया एस ठीक है अरुंधति रॉय को फिफ्टी फोर्टी फिफ्थ यूरोपियन ऐसे प्राइज मिला है फॉर आजादी अरुंधति रॉय को आजादी ऐसे के ऊपर फोर्टी फिफ्थ यूरोपियन ऐसे प्राइज मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर मिला है ऑर्डर ऑफ द नाइल ठीक है ना ऑर्डर ऑफ नाइल किसको दिया गया है मिला है ऑर्डर ऑफ नाइल पीएम मोदी साहब को मिला है ठीक है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है आरबीआई चीफ शक्तिकांता दास आरबीआई के चीफ थे पहले रह चुके हैं ऐसे तो के एक्स आरबीआई गवर्नर इनका नाम है शक्तिकांता दास इनको गवर्नर ऑफ द ईयर बोला गया है नोट किया जाए ठीक है दोस्तों चलिए अब यहीं पर इसको एंड कर देते हैं बहुत सारी चीजें हो गई हैं मतलब ये तो एक क्लास है जो आज हुई लगा दिया था कुछ रिवीजन कर लेते हैं है ना वैसे तो देखो यार यहां पर कुछ नहीं तो बहुत स्लाइड पड़ी हुई है कहीं भी आप रोकोगे तो आपको चीजें मिलने लग जाएंगी ये सब देख लिया कि नहीं देख लिया जनवरी वाला कोल्लम इंडिया का पहला मैं इसको पूरा अपलोड करा देता हूँ ठीक है केरला की वायनाड जो है भारत की पहली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बेसिक डॉक्यूमेंट सबको मिल रहे हैं है ना पीयूष गोयल ने मार्क पोर्टल को यहाँ पर किया है ये सब करवा दें दे आप, छोड़ दें तुम लोग देख लोगे अब इसमें है सब कुछ इस पी में है सब कुछ जनवरी से लेकर जुलाई तक है लेकिन सब अभी कराया नहीं है अब बताओ करवाएं या छोड़ दें तुम लोग खुद कर लोगे दूसरी फोटो ना ले जाओ ज्यादा अच्छा है वही ले जाओगे तो और अच्छा होगा सेम फोटो ले जाओ हाँ लास्ट फिस्ट में हो चुका है रेशल वातने बताने लास्ट फिस्ट में हो चुका है ये सब चीज हो चुका है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस क्लास के बेसिस पे मत सोचना फिर क्योंकि देखो यहाँ पर टोटल स्लाइड्स पांच सौ छप्पन है पांच सौ छप्पन तो नहीं लेकिन हाँ फिर भी मैंने आपको तीन सौ कुछ स्लाइडें कराई हैं दो सौ स्लाइडे कुछ अभी ट्वेंटी है।, है एक यूरोपियन यूनियन है ठीक है चेयरमैनशिप इंडिया के पास है जो लोगो है जो इस बार इसका थीम है वासुदेव कटोबकम है यानी वन 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 अर्थ वन 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 अर्थ फैमिली फैमिली ठीक है वर्ल्ड और उसके अलावा चेयरमैनशिप इंडिया के पास है पता ही होगा जी ट्वेंटी की मैंने दे रखी है इस PDF के अंदर मैंने बहुत कुछ दे रखा है इस PDF में अलग अलग मीटिंग सब कहा, कहा हुई वो सब दे रखा है ठीक है ये देखो बेल मर्डर केस में हाई कोर्ट ने चार जीपीटी का मदद लिया फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर आई एन चिल्का से निकला है आई एन मद्रास ने क्या किया है मिल्क एडेंट्रेशन अगर कोई करता है तो उसको चेक करने के लिए डिवाइस यहाँ बनाया थर्टी सेकेंड में से पता चल जाएगा रियाद ने शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का टाइज बना लिए हैं आलिया मीर बिकम्स फर्स्ट वुमेन फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू रिसीव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड ठीक है फिर उसका यहाँ पर देखिए डॉन्टिंग ब्यूरोट स्विम्स फ्रॉम गेट ऑफ इंडिया टू एलेटा के लेस देस नाम क्या है मिस्टर प्रकाश हो गया ठीक है कॉल बिफोर यू डिग एप लॉन्च बाय पी मोदी इसको देख लोगे वैदिक हेरिटेज पोर्टल इन न्यू डेली इसरो पुट्सिक्सलाइट इन ऑर्बिट तमिलनाडु एटीन सेंचुरी टू कम अपन इरोडा तो इसको, इसको, इसको आप लोग देखिएगा ठीक है मैं इसको अपलोड करवा दूंगा सारी चीजें हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा और तो फाइनली मतलब आज वो दिन आ गया है आप लोगों के लाइफ में जिसके लिए आप लोगों ने खूब मेहनत करी है पिछले छः महीने से आप लोग लगे हुए हैं चार छः महीने चार पाँच महीने से और आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे आज वो दिन फाइनली आ गया है बस जा रहे हो एग्जाम में पहुंच गए हो सेंटर तक कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है ये फील करो कि मुझे आता है ये मत सोचो कि मुझे नहीं आता मुझे आता है मैं सवाल देखूंगा काम माइंड से सवाल को पढ़ूंगा देखूंगा सवाल क्या कह रहा है अपनी जितनी भी नॉलेज है पास्ट नॉलेज सबको एक जगह लाने की कोशिश करूंगा है ना होता है ना बॉडी की सारी पावर्स एक जगह आ जाए वो लाने की कोशिश करूंगा और फिर उसके बाद ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए अगर मान लीजिए कोई सवाल नहीं निकल रहा है आपसे तो एलिमिनेट द ऑप्शंस।

मैथ्स के पेपर देख निकलो पेपर वहाँ चेक करना कितना बना भाई तुम्हारा इसका आंसर क्या आ रहा था अरे भैया अगले का गलत आया है तुम्हारा सही भी आया होगा तुम अगले का सुनिए खुद अपने आप को मातम बनाने लग जाओगे वहीं पर कि मेरा तो होगा ही नहीं अब अप। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बस तुम्हें आता है और तुम करके आओगे एग्जाम में क्वेश्चन पर मिले कामली भरो सवाल खोलो क्या कह रहा है सोचो तो उस पे बहुत बढ़िया लॉजिक लगाओ ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है लॉजिक लगाओ नहीं अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो करो। आ रहा है तो बढ़िया टिक मार दो ठीक ना क्लियर है कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा मैं यही बोल रहा हूं ठीक है तो उसके लिए परेशान मत हो कुछ नहीं होगा तजुर्बा होगा मैथ्स का पेपर हो जाए तो उसको शेयर कर सको तो शेयर करना और ताकि हम लोग आपकी आंसर की रेडी करें और फिर आपका जीके वाला पेपर हो जाएगा तो हम जीके वाला पेपर डिस्कशन करेंगे शाम को पेपर डिस्कशन होना है पांच बजे से पेपर डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है डॉक्यूमेंट बता दे सर डॉक्यूमेंट्स में एडमिट कार्ड ठीक है अपना आईडी वो ले जाइए एडमिट कार्ड पढ़ लो एक बार अगर फोटोस फोटोस अगर अपना अगर फोटोज चाहिए फ़ोटोज़ ले जाइए फ़ोटो होती हैं एडमिट कार्ड ले जाइए अपना आईडी कार्ड ले जाइए ये सब चीज़ें हैं है ना पेंसिल रख लीजिए ये सब चीज़ें रख लीजिए चीज़ें रख लीजिए चीज़े अच्छा वो बच्चा कह रहा है कि वो आपने लिख दिया है एक्स नहीं है वो अरे हाँ चलो ठीक है समझ गया मैं आपकी बात को समझ गया भाई समझ गया बच्चा ही कह रहा है कि सर वो एक्स छोड़ी है शक्तिकांत तो इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है लॉजिक भी उसकी देखो सही कह रही है भाई ऑब्वियस ही बात है माय बैड माय बैड पता नहीं मैं किस धुर में आपको एक्स लिख के बैठ गया मैं भी ठीक कर देता हूँ उसको पता नहीं कहां चला गया वो एक मिनट रुको देख लेते हैं अभी देख लेते हैं देख लेते देख लेते हैं कर रहा हूं चेक कर रहा हूं उसको ठीक कर रहा हूं कहा लिखा था वो मिल ही नहीं रहा है अब किसकी बात लिखा था कुछ याद है इसके बाद लिखा था कुछ याद है एनीवन अब मुझे याद ही नहीं आ रहा ठीक है शक्तिकांत दास जो है वो आपके नहीं है एक्स नहीं है वो प्रजेंट है सर तो क्वेश्चन वाली फ़ाइल में वही जो देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन वाली फ़ाइल में देख नहीं रहा है चलो ठीक है अब तुम तो उसको कलेक्ट कर लेना अपना समझ लो मैंने बोल ही दिया आपको कि भैया एक्स नहीं है वो आपके करेंट करेंट आपके आर गवर्नर हैं एक्स मैंने पता नहीं क्यों बोल दिया शक्तिकांत दास इज द प्रेजेंट आर गवर्नर ये है ये यहाँ पर एक्स हटा दो गवर्नर तभी, तभी तुमको गवर्नर ऑफ ईयर का दिया गया है ठीक है ठीक है चलिए अब इस चीज को यहाँ पर एंड कर देते हैं भाई साहब आप लोग जाइए अब कंटिन्यू तो करना नहीं है अब बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को अच्छे से करके आओ और फोड़ के आना ठीक है मायूस मत होना और फिर आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है और यस yes, उन बच्चों के लिए आ रहा है जो ये अटेम्प्ट देके अब आगे बढ़ने जा रहे हैं यस वेरी वेरी बिग सरप्राइज ठीक है जो आप लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे बट ठीक है सो अब टाइम के साथ चीजें पता चल जाएंगी सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम बहुत अच्छा करके आना फोड़ के आना तो मिलते हैं हम लोग अपने अब अगले शाम के सेशन में जहां हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे शाम को पांच बजे से सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड एंड डिफेंस वाला टीम थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ इन योर फ्यूचर इंडेवर्स एग्जाम बहुत अच्छे से करना जय हिंद जय भारत सी के लिए पीडब्ल्यू सरकारी एग्जाम पे होगा पेपर डिस्कशन शाम को पांच बजे से सरकारी एग्जाम चैनल पे होगा ठीक है